Tomorrow, everyone, please bring this 5th edition of Polity wala book. Okay? So we'll just at least discuss upon it ki kaun se topics important hai. Because many of you are afraid ki ye itni badi, itni moti book kab khatam hogi. Aur ye kam se kam 5 se 6 baar aapko padhni hai. So ek baar mein hi time lag jayega. So what we'll do is ek fatafat hum log dekh lenge kaun se chapters important hai. और कौन से चैप्टर के साथ में कौन-कौन सा चैप्टर और कर लेना है, ठीक है? गुड, क्या वो लिख दिया? नहीं लिखा है, क्यों? ठीक है, लास्ट लेक्चर में नहीं थे, ओके। दो मिनट और चाहिए? एडजेक्टिव्स तो भी याद आ रहे हैं क्या? कौन-कौन से? सॉवरेन, सोशलिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर लिखने के लिए, ओके? क्या आना चाहिए? परफेक्ट आंसर अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। आप लोग उसका टेंशन मत लो। और काफी टाइम भी हो गया अपने लेक्चर को, इसलिए डोंट वरी। अगर इसका आंसर लिखना है मुझे पर्सनली, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले तो इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है? एक तो पूछा आपको एडजेक्टिव्स, इस चीज पे ध्यान देना है। दूसरा आपको क्या पूछा है? प्रीएम्बल के। और तीसरी चीज क्या है? किसका एडजेक्टिव? रिपब्लिक वर्ड के आगे कौन से एडजेक्टिव लगाए हुए हैं, ठीक है? एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है। दूसरा जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है आर दे डिफेंडेबल व्हेन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। मतलब सिंपल क्वेश्चन को जब लिख रहे हो तो डिवाइड कर दो उसको। एक अपने को पता है क्या? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का कोई एक सिग्निफिकेंट वर्ड वगैरह है क्या अपने को पता है जिसे हम लोग प्रीएम्बल से स्टार्ट कर सकते हैं? वी द पीपल, हर बार वो प्रतीक सर ने बता दिया तो उसी को लेके नहीं बैठना है। आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हो या फिर केम मुंशी क्या बोलता है इसको, दैट इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, ठीक है? तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो प्रीएम्बल, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ठीक है, उसमें बोल सकते हो इन द वर्ड्स ऑफ के एम मुंशी इट इज हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है? अब प्रीएम्बल में जो रिपब्लिक के आगे वाले वर्ड्स है वो वाले वर्ड्स बता दो, ओके? तो सीधा आपको एक इंट्रोडक्शन आपने शॉर्ट कर दिया कि प्रीएम्बल क्या है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट इधर से ही क्वेश्चन, इधर से ही सब हेडिंग उठाओ। सब हेडिंग कैसे उठानी? क्वेश्चन में से ही उठाने का। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द प्रीएम्बल टू द वर्ड रिपब्लिक। तो सीधा इधर लिखते टाइम में भी आपको क्या लिखना है कि एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक, ठीक है? ये आपका हेडिंग भी होगा। सेकेंड, फर्स्ट हेडिंग आपका यही है। इसमें इधर आपने इंट्रो दे दिया है, अब इधर आपने हेडिंग दे दिया है। अब इसमें बताते टाइम में बताओ कि कौन कौन से? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। तो चार चीजें आपको लिखनी है, तो चारों चीजें बता दो कि ये चार चीजें ये हैं, ओके? उसके बाद में आगे क्या करोगे तो अब एक एक चीज का एक्सप्लेन करना है कि सॉवरेन का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट या फिर फाइनल डिसीजन मेकर
इन बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस. सेकंड ए, फिर बी, सोशलिस्ट. तो इसमें आप बता सकते हो कि इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ने नहीं देंगे आप लोग. ओके, तो वही आपका मेन सोशलिस्ट एजेंडा है. ठीक है, फिर सी, अगला क्या पॉइंट है, सेक्युलर. तो अपना सेक्युलरिज्म जो है कि कोई भी अपना एक धर्म नहीं रहने वाला है, इक्वल प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल वाला. उसके आगे आपको पूछा है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक बता दो कि मतलब क्या, सीधा. हाँ, रूल ऑफ द पीपल. इतना आपने सब ये चारों कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए. इसमें मैं होता, इनफैक्ट मैंने किया भी था, तो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वाले पार्ट को एक्सप्लेन करो. डेमोक्रेटिक सॉरी रिपब्लिक, रिपब्लिक वाले पार्ट को भी एक्सप्लेन करो. रिपब्लिक मतलब क्या, सो इट मींस नो पोस्ट विल बी इनहेरिटेड. सिंपल, ये आपने भी एक्सप्लेन कर दिया है. That you can do, but I would prefer this pattern. Yes. Political science अलग है और polity अलग है. जब आप लोग optional का answers लिख रहे हो उस time पर आपका expected है कि आप paragraph में लिखो. और जब भी आप GS का कोई भी answer लिख रहे हो, सिर्फ polity ही नहीं, GS 2 ही नहीं, GS 1 हो, GS 3 हो, GS 4 हो, जितना कोशिश हो सके उतना आप लोग point wise form में लिखो. इनफैक्ट उसमें भी जितना आप लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख सको उतना और बेटर है. जैसे अगर इसको ऐसे कोई ऐसे क्लाउड्स वगैरह बना के आपने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, फिर ये आपने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर कि ये सब अपने सारे वर्ड्स है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि आर दे डिफेंडेबल. इससे ज़्यादा इन्होंने पूछा नहीं है. ठीक है, और अपने को उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है. आर दे डिफेंडेबल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. तो क्या ऐसा है कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में हम लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे. सो सिंपल, ओके, जैसे आज जो है सॉवरेनिटी जो है, तो उसको अपोज करने वाली आइडिया क्या है, ये अभी आपको नहीं पता है बट आगे आपको समझ में आ जाएगा. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो उससे सॉवरेनिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज. एक बाउंड्री के अंदर मेरी सॉवरेंटी है, वो आपका बता रहा है इसमें मैं फाइनल डिसीजन मेक करूँ. बट आज बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ओके, और या फिर जो एनजीओज वगैरह है, ओके, तो उनके वजह से प्लस जो ट्रेड एक्टिविटीज वगैरह हो रही है उसके वजह से आज आप लोग उतने सॉवरेन नहीं हो जितने पहले थे. बट स्टिल इज स्टेट स्टिल इन द कमांड, आंसर इज येस. तो फाइनल में यही बताना है कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में ग्लोबलाइजेशन से थ्रेट है उसको, बट स्टिल स्टेट इज वेरी मच इन कमांड. ओके, फिर सोशलिस्ट. अब इसका अगेंस्ट में क्या आ रहा है, तो आपके जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे मैंने आपको बताया था, मींस ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन कर रहा था सोशलिस्ट में, कौन ओन कर रहा था, भूल गए तुम लोग वो तीन कंसेप्ट, मुझे लगा आपको याद होगा. हमने तीन चीजें देखी थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट. मैंने आपको बताया था कि क्या दो क्राइटेरिया है, एक है प्रॉपर्टी एंड दूसरा है मींस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों भी इसके है. इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल की है, लेकिन मींस ऑफ प्रोडक्शन किसका है, स्टेट का है. इसमें क्या है, दोनों भी स्टेट के है. सो ये तीनों में डिफरेंस है. तो अब आप लोग सोशलिस्ट में जब हम लोग बने थे तो क्या समानता वगैरह बनाने के लिए बने थे. उसमें से अगर आप लोग अभी जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह आती है. फॉर एग्जांपल ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है इनइक्वालिटी के ऊपर, ओके, कि इनइक्वालिटी कितनी बढ़ रही है. इंडिया में भी ऐसा बोला जाता है कि ओनली 1% ऑफ द पीपल इन लास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर में ओनली 1% ऑफ द पीपल, ओके, अर्नड 77% ऑफ द इनकम. मतलब अगर 100 रुपए पूरे भारत ने कमाए हैं एक्स्ट्रा, उसमें से 77 रुपीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको गए हैं, 1% लोगों को गए हैं. मतलब बाकी के पूरी जनता जो है 99% जनता, उनके हाथ में सिर्फ 33% पूरी की पूरी इनकम गई है. कुछ लोग तो निगेटिव में होंगे. ये क्या दिखा रहा है, सोशलिस्ट दिखा रहा है क्या टेंडेंसीज, नहीं. सोशलिस्ट में आप लोग समानता तो भी रखने की कोशिश करोगे. तो ऐसे कोई ट्रेंड्स वगैरह अगर आपके पास है तो आप लोग मेंशन कर सकते हो. अगेन मैंने आपको बताया ये एक्सपेक्टेड अभी तुमसे नहीं है,
बट मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनल आपको कौन से गोल तक पहुंचना है, कैसे डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं हम लोग. आर यू गेटिंग मी? फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेक्युलर. तो कभी कभी अल्ट्रा नेशनलिस्ट टेंडेंसीज या फिर अल्ट्रा रिलीजियस टेंडेंसीज जो है वो कभी कभी गवर्नमेंट को हैम्पर करने की कोशिश करती है, बट उसमें भी आप लोग डिफेंड करो कि स्टिल मोर और लेस हम लोग आज भी सेक्युलर देश है ही. आगे डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ओके, बट स्टिल कभी कभी कोई बिग बिजनेस हाउसेस है या फिर कुछ जो एनजीओज है जो कि प्रेशर ग्रुप्स है, तो ये इनका ओवर डोमिनेंस हो जाता है, तो वो वाली प्रॉब्लम है. बट अगेन डेमोक्रेटिक है क्या है हम लोग. लास्ट में आपको और पूछा है रिपब्लिक वर्ड. रिपब्लिक मतलब इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारी पॉलिटिकल पोस्ट्स, ओके, भले ही इलेक्शन के थ्रू उन लोग जीत के आ रहे हैं, बट स्टिल आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आज भी देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी इस आइडिया को थ्रेट दे रहा है. बाय द फिर दोनों चीज़ें बतानी, दोनों एस्पेक्ट बतानी कि कैसे थ्रेट दे रहा है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बट स्टिल आज भी ऐसे लोग हैं जो बाकी के लोग भी इलेक्ट होके आ रहे हैं. फाइनली जब आपने इसको इसके क्रिटिसिज्म और इसको डिफेंड दोनों भी कर दिया है, लास्ट में आपको लिखना है वे फॉरवर्ड. और वे फॉरवर्ड में क्या आएगा फिर आपका, तो वे फॉरवर्ड में बताना है कि आर दिस डिफेंडेबल. अब आपको इस पे एक फर्म स्टांस लेना है कि इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट आर दिस डिफेंडेबल. तो यहां पे बताना है कि जब तक अपने पास में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ओके, जब तक उनके पास में जुडिशियल रिव्यू और उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये जब तक मेंटेन्ड है, तब तक हम लोग ये सारे के सारे अपने वैल्यूज डिफेंड करते रहेंगे. और एक चीज बोलनी है, सुप्रीम कोर्ट ने, ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में बताया था. कौन सा इंपॉर्टेंट केस? केशवानंद भारती, कि ऑल दिस थिंग्स, ओके, आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दिस. समझ में आया कैसा होना चाहिए फ्लो? यस, किसी को कोई डाउट्स, कुछ बोलना है, ऐड करना है? समझ में आ रहा है मुझे, बट अगेन प्रैक्टिस से आएगा. एटलीस्ट मैं आइडियल आंसर क्या है वो तो बताऊं, ठीक है? और इस वाले अटेम्प्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी है GS2 में, तो उसमें आई थिंक मेरे 108 मार्क्स थे GS2 में, जब किसी को मिलते नहीं थे इतने, ठीक है? सो शायद मैंने यही पैटर्न यूज किया होगा. एनीवेज, सो पॉइंट बीइंग, आपको ये फ्लो रखना है. कोई भी जब आप लोग, अब जैसे इसका मैं सेकेंड हेडिंग जो आपको बताना रह गया, फर्स्ट हेडिंग आपने लिखा है एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक, ओके, वैसे ही आपको इधर से ही उठाओ, ओके, सो इधर, ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ रिपब्लिक, डिफेंडेबल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इतना आप लोग उसके ऊपर यस नो, चाहो तो यहां पे ऐसे यस में बोल दो और उसके बाद में यहाँ पे नो में बोल दो, और हमने सब देख भी लिया, ओके, तो ये है यस नो यस नो यस नो एंड फाइनली वे फॉरवर्ड, ऐसा कुछ कर सकते हो. जितना टेबुलर फॉर्मेट, जितना डायग्रामेटिक फॉर्मेट यूज़ करो उतना बेटर है. अभी से ही जब भी दिमाग में कुछ भी चीज़ कर रहे हो, सोचो इसमें कोई क्या डायग्राम बन सकती है. इसीलिए ऋतुजा का आंसर जो है मुझे बहुत पसंद आया, कि उसने वहाँ पे, मैंने आपको बताया था, देखो 1919 का जो एक्ट था, ओके, उसमें क्या हुआ था, डायर की कहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, प्रोविंशियल लेवल पे, और बाइकैमरलिज्म कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, सेंट्रल लेवल, और उसका एग्जैक्ट अपोजिट कहाँ पे कर दिया हमने, 1935 के एक्ट में, उसने वो डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया. वो आज अपने को फोटो खींच के भेजेगी अगर उसको सबको दिखाना है तो, अगर छुप छुप के रखना है तो नहीं भेजेगी. एनीवेज, तो आप लोग भी उसको देख सकते हो, ठीक है? ऐसे जहां पे आपको मौका मिले बस डायग्राम बना दो. जीएस में जितने आप लोग जहां डायग्राम बना सकते हो बनाओ, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अप्रिशिएट किया जाएगा आपको. और जैसे कि अभी कौस्तुभ ने एक इशू रेज किया है कि सर इतना तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, डायग्रामेटिक फॉर्म में फटाक से बना के दिखा दिया, ये टेबुलर फॉर्मेट में बना के दिखा दिया, डन. जहां पे स्टेटमेंट चाहिए जैसे इंट्रोडक्शन में या फिर वे फॉरवर्ड में, वहां पे आप लोग दे दो, बाकी जितना आप लोगों को टेबल ये वो उसमें जमे उतना बनाओ, ठीक है? चलेगा.
फटाक से एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स से। बीच का एक पोर्शन अभी के लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं, बट उस पर वापस पक्का आएंगे। तो हम लोगों ने किससे स्टार्ट किया था, एक तो पहले सबसे पहले हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में हमने देखा सबसे पहला एक्ट था 1773 का, उसके बाद आया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। फिर उसके बाद में आया 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में आया 1858। तो 1853 और 58 में क्या हुआ, वाइस रॉय, ठीक है। उसके बाद में 61 यस, उसके बाद 92, फिर उसके बाद 1909, 1919, 1935 और उसके बाद में हम लोगों ने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर द फर्स्ट टाइम जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा भी हो जाएगा वो सब, ओके। सो इसीलिए मैंने आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का ऐसा कुछ ना हो कि पीछे सब कुछ लॉस हो गया हो, वो आप लोगों को जो वीडियोज़ ऑलरेडी डाली हुई है वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। सो हम लोगों ने देखा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या नाम है आपका, स्वाति, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पूर्वा, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और इट इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग मशीनरीज जो है दे विल डिराइव पावर, ओके। सो दे डिराइव पावर आउट ऑफ इट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, एंड दिस इज हाउ एंड दैट इज व्हाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दिए हुए थे, एक था कि हम लोगों ने सोर्सेज जो है कहाँ कहाँ से लिए हुए, राइट, और क्या था, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, सबको याद है क्या, पक्का, ठीक है, और तीसरा कोई था काम, में कितने अमेंडमेंट्स हुए उसके ऊपर कुछ बोला था क्या, ठीक है, अब तक कितने अमेंडमेंट्स हुए, 1-4, ठीक है, अपना अपना हाईएस्ट अमेंडमेंट का नंबर बताओ, 1031, 1032, 124, 1241, 1242, 102, ये और नीचे जा रहे हैं, 103, ओके। तो आप जो बोल रहे हो तो वो अमेंडमेंट्स आप लोगों ने अभी तक इंट्रोड्यूस की हुई है, अमेंडमेंट्स हो जाना और इंट्रोड्यूस करना उसमें फ़र्क है। तो हम लोग वो भी आज थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक्स देख लेंगे। तो जो भी चीज़ होती है, ओके, तो बिल में और एक्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। बिल और एक्ट में क्या फ़र्क है कि बिल जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है और दोनों जगह पास होने के बाद में जब प्रेसिडेंट उसको अपनी सहमति दे देता है, ओके, उसके बाद में वो एक्ट में बनता है। सो आप लोग सब चपाती तो खाते ही होंगे, यस, सो कच्ची चपाती मतलब बिल, कच्ची रोटी जो होती है मतलब बिल, एक बार आपने एक साइड से गर्म किया मतलब लोकसभा में पास हुआ, दूसरे साइड से गर्म किया मतलब राज्यसभा से पास किया, फिर मोमिन देखा कि हाँ ये ठीक है, ओके, तो अप्रूव हो गई और उसके बाद में क्या बन जाएगी, वो चपाती बन जाएगी। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर, ओके, बिल है लोकसभा में एक बार, राज्यसभा में एक बार, जब हो जाएगा तो प्रेसिडेंट उसको परमिशन दे देगा एंड फाइनली वो एक्ट में बदल जाएगा। तो अभी जो पूर्वा बता रही है कि 124 हुए हैं, सो 124 में से अभी तक जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं तो 124 तक के आपके बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट ये सारे बिल एक्ट में अभी तक जितने कन्वर्ट हुए हैं वो सिर्फ है 103, उसमें से 103 अमेंडमेंट जो अभी रिसेंटली हुई है वो किस रिगार्ड में है, रिजर्वेशन, बट किसको रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में आगे देख लेंगे। एनीवेज पॉइंट बीइंग, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने प्रपोज की थी, कब की थी, 1934, ओके, उसके बाद में अलग अलग इवेंट्स होते गए, ऑगस्ट ऑफर 1940 का, क्रिप्स मिशन आया जो कि अगेन फेल हो गया, ठीक है,
और उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी? कैबिनेट मिशन पे. तो उन्होंने बोला कि कुछ पार्ट जो है, मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे और कुछ लोग थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे. बराबर है? हो जान दोस्त. हाँ अलीशा, ओके. सो डायरेक्टली कोई इलेक्ट हुआ था क्या? नहीं. तो फिर हाँ क्यों बोले तुम लोग? मैंने बोला कि कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे और कुछ लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे. यू सेड यस. क्यों बोला बताओ? सो सिंपल, कुछ लोग जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे और कुछ लोग जो है वो नॉमिनेट होके आए थे. इनडायरेक्टली इलेक्ट कहाँ से होके आए थे? यस, क्या नाम है? प्रसाद. यस, कहाँ से इलेक्ट होके आए थे? प्रोविंसेस में से. प्रोविंसेस में और स्टेट्स में फर्क क्या था तब? रुको रुको रुको, शिकार करते हैं. ठीक है, वेरी गुड. ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, प्रोविंसेस मतलब जैसे बॉम्बे प्रोविंस, ओके, मैसूर प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ओके, या फिर अलग अलग जो है कुछ तो इसका यूपी वाला एक प्रोविंस था, यूनाइटेड प्रोविंस, ओके. तो ये प्रोविंसेस जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर, मतलब गवर्नर के अंडर काम कर रही थी. एंड स्टेट्स, तो आज हम लोग स्टेट जो है महाराष्ट्र स्टेट या इन सब स्टेट्स को हम लोग स्टेट्स बोलते हैं, बट उस टाइम पे इनको क्या बोला जाता था? प्रिंसली स्टेट्स. फॉर एग्जांपल महाराजा ऑफ जोधपुर, ओके, यस, जूनागढ़ वगैरह. उसका देखा होगा आपने वो प्रधानमंत्री सीरीज, देखा आपने? ठीक है, वो अपने कुत्ते वगैरह भगाने में लगा हुआ था, बीवी पीछे ही छोड़ के चले. ठीक है, सो एनीवेज ये डिफरेंस है प्रोविंसेस में एंड प्रिंसली स्टेट्स में. ठीक है, तो जो इलेक्ट होके आए थे वो कहाँ से इलेक्ट होके आए थे? इनडायरेक्टली प्रोविंसेस से. और जो नॉमिनेट होके आए थे वो कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट्स. सिंपल. अब इन लोगों ने मिलके फिर बाद में कंटिन्यूस ऑलमोस्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 साल के लिए इन लोगों ने डिबेट किया एंड फाइनली इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ओके, तो इन लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में वो इंप्लीमेंट होना कब स्टार्ट हुआ? 26 जनवरी 1950. कोई 51 वगैरह नहीं है. मैंने बोला इंप्लीमेंट होना कब स्टार्ट हुआ, मैंने अडॉप्ट बोला कि कहीं? वर्ड्स पॉलिटी में बहुत मैटर करते हैं, याद है ना? किसी ने तो क्या लिखा था? एग्जीक्यूट काउंसिल. यस, तो वैसे ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इंप्लीमेंट कब हो रहा है, अडॉप्ट कब हो रहा है, ये सब चीजों का फर्क पड़ता है. ओके ठीक है, फिर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया और उसमें हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीएम्बल. प्रीएम्बल में क्या बोला हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू. अभी जस्ट हम लोगों ने 5 उसके एडजेक्टिव्स देखे रिपब्लिक के आगे वाले. ओके चलो एक एक देखते हैं अभी वापस एक बार, किस किस को याद आ रहा है? व्हाट्स योर नेम? अपेक्षा. उपेक्षा. सो डेमोक्रेटिक मतलब? लास्ट बेंच. क्या नाम है आपका? सिमरन. यस. डेमोक्रेटिक मतलब? रूल्ड बाय पीपल. ओके सिंपल, जो भी इलेक्ट होके आएगा उसको, मतलब जो भी रूल करेगा उसको हर बार इलेक्ट किया जाएगा. समझ में आ रहा है? या तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आएगा या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आएगा, बट हर बार वो इलेक्ट ही होके आएगा. ओके, वॉट इज रिपब्लिक? वेरी गुड. नो पोस्ट इन द गवर्नमेंट इज हेरिडेटरी. सिंपल फंडा. ठीक है, ओके. सेक्युलर. द स्टेट हैज नो पर्टिकुलर रिलीजन. व्हाई दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट? ओके, बिकॉज हमारे यहाँ पे ये अपने को जरूरत महसूस नहीं होती है, बट आप अगर दूसरे कंट्रीज में जाओ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पर्टिकुलर रिलीजन वालों को एक सेकेंडरी क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाता है. एग्जाम्पल श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह तो हर कोई मानता ही, मतलब उधर तो बोलने की जरूरत भी नहीं है. ओके, बट श्रीलंका, श्रीलंका जैसा देश भी जो है उसमें क्या है कि जो तमिल लोग जो है, जो कि अगर आप श्रीलंका का अगर आप इसमें मैप देखो,
तो ये वाला जो है ओके इनका नॉर्थ ईस्ट एंड थोड़ा सा इधर ईस्टर्न प्रोविंसेस जो है यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं और ये तमिल लोग जो है तो ये मेजरली हिंदू पॉपुलेशन वाले लोग हैं और बाकी के सारे जो उनकी पॉपुलेशन है वो है सिन्हलीस पॉपुलेशन और ये सिन्हलीस जो है ये बुद्धिस्ट है तो वहाँ पे उन लोगों ने स्टेट का ही रिलीजन बना के रखा है बुद्धिज़्म तो वहाँ फिर प्रॉब्लम आती है कि उन लोग अब जो बाकी के लोग हैं उनको फिर सेकेंडरी क्लास या सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी जाती है कि जिनका रिलीजन है या फिर इवन लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने बना के रखा है कि सिन्हलीज ही एक लैंग्वेज रहेगी और तमिलियन लैंग्वेज वगैरह क्या है इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि उन लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह नहीं ले पाते और अगर किसी को लेना भी है तो सिन्हलीज सीखना पड़ेगा या अगर किसी को तमिल को वो हिंदू है तो उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले से ही सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लेके रखा हुआ है ओके लास्ट कंसेप्ट दैट इज सॉवरेन फाइनल डिसीजन मेकर कौन है हम लोग ही है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिंपल और उसके बाद भी वहां पे जस्टिस के आगे तीन एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं कौन से हैं अधीरा सिंपल जस्टिस जब जब बोलो सिर्फ तीन चीजें याद कर लिया करो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिंपल ओके पॉलिटिकल जस्टिस देना काफी इजी काम है पॉलिटिकल जस्टिस देना काफी इजी काम है बट एक्चुअली सोशल और इकोनॉमिक देना डिफिकल्ट काम है रिजर्वेशन जो है वो क्या है वो सोशल बिकॉज सोशली आप लोग उनको अपलिफ्ट कर रहे हो समझ में आ रहा है सबको राइट टू वोट देना दैट इज अ पॉलिटिकल जस्टिस समझ में आ रहा है या फिर मैटरनिटी ओके मैटरनिटी के ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपको कोई ना कोई हेल्प वगैरह प्रोवाइड करवाना उसमें इकोनॉमिक प्लस सोशल दोनों भी आपके जस्टिस हो जाते हैं समझ में आ रहा है ठीक है उसके बाद में कंट्री की यूनिटी रहनी चाहिए कंट्री की इंटीग्रिटी होनी चाहिए बाकी ब्रदरहुड वगैरह आप लोगों ने प्रमोट करना चाहिए कुछ फ्रीडम्स आपको दे के रखे हुए लिबर्टी दे के रखे हुई है थॉट स्पीच एक्सप्रेशन बिलीफ जो है ठीक है वर्शिप किसको करना है ये सब आपको लिबर्टी भी दे के रखी हुई है और कुछ बचा है इक्वालिटी वगैरह यस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ये दो भी आपको इक्वालिटी भी दे के रखी हुई है अब अगर आप लोग थोड़ा सा ये सब देखो तो ये सब इवॉल्व होता कहाँ से मतलब आता कहाँ से ये सब चीज़ें कि आपने इंटीग्रिटी उठा ली आपने फ्रेटर्निटी उठा लिया ठीक है ये सब वर्ड्स कहीं ना कहीं तो आए होंगे सो कहाँ कहाँ से आए हुए तो इसलिए मैंने आपको बोला था पढ़ के आने के लिए वो है सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें सो 75% कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने कहाँ से लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके और बाकी का जो बचा कुछ हमने इधर उधर से लिया है तो अब वो पता करना है कि कहाँ से लिया है ठीक है तो अगर हम सोर्सेस देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन के तो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट जो है स्केलेटन वाला पार्ट जो है सो मेजरली आपको दिखेगा कि उसको कहाँ से लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका फिलोसॉफिकल पार्ट जो है ओके जो उसकी फिलोसॉफी वगैरह है तो वो वाला पार्ट हमने कहाँ लिया है फंडामेंटल राइट्स DPSPs तो ये अलग अलग जगह से हम लोगों ने इसको लिया हुआ है अमेरिका से लिया है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स कि आपको क्या आपके राइट्स है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से हम लोग इंस्पायर्ड है और सबको फिर हम लोगों ने कुछ राइट्स दे दिए आज वो फंडामेंटल राइट्स हम लोग सीखेंगे फिर DPSPs मैंने फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में फर्क बताया था क्या ठीक है संकेत ओके यस पूर्वा वेरी गुड ओके वन लाइन आंसर बाकी वो भी आंसर सही है सिंपल हमने देखा है कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स है तो हमको कुछ सेट ऑफ राइट्स चाहिए जिंदा रहने के लिए ओके अब ये जिंदा रहने के लिए जो आपको सेट ऑफ राइट्स चाहिए वो सारे के सारे आपके मेंशन करके रखे हुए हैं उसमें क्या है कि आपको रोटी कपड़ा मकान सबको पता है चाहिए ही चाहिए उसके अलावा उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको राइट टू लाइफ चाहिए ठीक है आपको इक्वालिटी चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको लिबर्टी वगैरह चाहिए तो ये सब कुछ आपके राइट्स है कुछ आपके इकोनॉमिक राइट्स है ओके कुछ आपके और दूसरे सोशल राइट्स है ऐसे सारे राइट्स है जो आपको चाहिए
बट गवर्नमेंट के पास में कैपेसिटी नहीं है उसको इंप्लीमेंट करने की, इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब, कि कुछ राइट्स अभी के अभी दे सकते हैं वो दे दिए. तो मेजरली जो पॉलिटिकल राइट्स जो थे ओके, वो हम लोगों ने क्या किए उसी टाइम पे दिलवा दिए. पॉलिटिकल राइट्स मेजॉरिटी ऑफ वहीं पे ख़त्म हो गया. उसके बाद में डीपीएस फीस में जो है ओके, वहाँ पे आपके सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो है वो डाल के रखे हुए थे कि जैसे जैसे अपने पास कैपेसिटी आते जाएगी वैसे वैसे हम लोग आपको ये राइट्स देते जाएंगे. ठीक है, तो जो राइट्स अभी के अभी हम आपको दे सकते हैं उसको हमने बोल दिया फंडामेंटल राइट्स, एंड दिस बिकेम जस्टिसिएबल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबल, दैट यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ओके, और यू कैन गो टू एनी कोर्ट फॉर दैट मैटर. व्हाट आर डीपीएसपीज, दैट दीज आर नॉन जस्टिसिएबल. इवन इफ दे आर नॉट गिवन टू यू स्टिल यू वोंट हैव, मतलब यू कैन नॉट जस्ट गो टू कोर्ट एनी कोर्ट कि मुझे ये नहीं दिया, समझ में आ रहा है ओके. सो ये फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज में फर्क था. तो हम लोग यहाँ पे कहाँ से आए, हाँ तो डीपीएसपी जो है वो हम लोगों ने कहाँ से, हम लोग इसके लिए इंस्पायर हुए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल ओके. तो अब अपने को बाकी फिर कुछ हम लोगों ने ब्रिटिश पार्ट भी अपना लिया हुआ है ओके, फिलोसॉफिकल वगैरह ये सब तो लिया ही है, बाकी कुछ चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेजरली ली हुई है. पॉलिटिकल पार्ट जो है अपना ओके, मेजरली जो कुछ पॉलिटिकल पार्ट है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया ओके, या फिर यस यस रूल ऑफ लॉ वगैरह, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्ट से लिया हुआ. अपने कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, किसी ने पढ़ा है क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक यहीं पर मैंने एक असाइनमेंट दी थी कि अभी रिसेंट में कितने कितने अपने आर्टिकल्स वगैरह हो गए हैं. हाँ देखो मुझे याद आता है, मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उस टाइम पे अपने पास एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल, उसके बाद में 22 पार्ट्स ओके, एंड 8 शेड्यूल्स थे. आज का स्टेटस क्या है, अरे झुंड में तो भेड़िया आते हैं, शेर तो अकेला आता है, कौन आ रहा है बोल, कितनी 448 है ठीक है, तू अभी से बहुत सारे अमेंडमेंट कर चुका है. और पार्ट्स कितने हैं, 25. शेड्यूल्स कितने हैं, शेड्यूल से याद आया कोई सारे के सारे शेड्यूल्स बता सकता है क्या, फर्स्ट तन्मयी या तनई, तनुजा, यस यू डोंट रिमेम्बर, अलीशा वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुको, हुई शिकार पे जाता है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. शेड्यूल फाइव, शेड्यूल फाइव फर्स्ट लेक्चर है ओके, फर्स्ट लेक्चर है क्या, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स ओके, और शेड्यूल सिक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू व्हाट, ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड एरिया का फर्क बताया था क्या मैंने, हाँ तो मुझे कौन बताएगा अभी, नहीं वेरी गुड. ट्राइबल एरिया चार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड है, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, पक्का पक्का ठीक है, मिजोरम ओके ठीक है. शेड्यूल सेवन क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. शेड्यूल एट क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है. शेड्यूल नाइन क्या है, सो मैंने आपको बताया था कि कुछ जो एक्ट्स है जो कि जुडिशियल स्क्रूटिनी से आपको बचाने थे, तो इसके लिए आपने एक शेड्यूल नाइन बनाया और उसमें सारी की सारी चीज़ें डालते रहे. मेजरली उसमें लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट्स डाल के रखे थे, बट उसमें कुछ अदर राइट्स भी उसमें रखे हुए ओके ठीक है. उसके बाद शेड्यूल क्या है, शेड्यूल टेन, लास्ट लास्ट में
एंटी डिफेक्शन, कहाँ इसका एंटी डिफेक्शन? क्या नाम है आपका? स्वप्निल। नाम क्या है? ओके, प्रदीप यादव। पार्टी चेंज करते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे कैसे चेंज करें? पीयूष। क्या क्राइटेरियाज बताए थे दो मैंने? वो एक्सेप्शन है। मैंने दो क्राइटेरियाज बताए थे कि अगर आपने ऐसा किया तो उसी टाइम पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। व्हाट्स योर नेम? दर्शन। व्हिप्स को फॉलो नहीं किया, पार्टी लाइन के अगेंस्ट को सपोर्ट किया, एक रीजन। और एक बजट के टाइम जो यू लीव द पार्टी एंड यू गो टू द नेक्स्ट पार्टी। सिंपल, एक मतलब आप लोगों ने वॉलंटरीली ओके पार्टी छोड़ दी, पार्टी मेंबरशिप रिजाइन कर दी आपने वॉलंटरीली, सो द वेरी मोमेंट यू बिकम इन एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द दैट पर्टिकुलर हाउस, एक रीजन ओके या एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि पार्टी ने अगर विप इशू किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज़पेपर ठीक से फॉलो कर रहे हो तो कल ओके इवन आज कुछ तो चल रही थी डेवलपमेंट, तो कल जो है वो कांग्रेस पार्टी और जेडीएस पार्टी ने विप इशू की हुई थी कि तुमको प्रेजेंट रहना है और वोट करना ही करना ओके तो विप इशू करने के बाद में आपको प्रेजेंट भी रहना पड़ता है और प्रेजेंट रहने के बाद में आपको वोट भी पार्टी लाइंस पे ही करना पड़ता है, अगर नहीं करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओ। सिंपल, बट उसके एक्सेप्शंस है। और उसका एक्सेप्शन क्या है? नो, चेंज हो गया, 2/3 ओके, उसको 2002-2003-04 में उसको चेंज कर दिया था। सिंपल, ठीक है, सो 2/3 से अब अगर आप लोग पार्टी चेंज करो तो हो जाएगा ओके। उसके बाद में हमने शेड्यूल 11 देखा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड शेड्यूल 12, ठीक है। अब अपने को देखना है कि ये सोर्सेस हम लोगों ने कहाँ कहाँ से लिए, मतलब अलग अलग फीचर्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। तो एक मैंने बताया था लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी बोथ फैक्टर्स आर देयर ओके। सो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या कि कुछ कुछ प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी क्या है, कुछ प्रोविजंस ऐसी है जो कि आप लोग जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिफिकल्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल जहां जहां पे आपको स्पेशल मेजोरिटी, अभी आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, बाद में हम लोग पक्का इसको डिटेल में देखने वाले हैं ओके। तो एटलीस्ट तुमको इसका आइडिया होगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग आर्टिकल 368 के अंडर हम लोग क्या करते हैं? अमेंडमेंट्स करते हैं। तो आर्टिकल 368 में दो टाइप के अमेंडमेंट मेंशनड है। यस, कौन कौन से? सिंपल एंड स्पेशल। गलत। वन इज स्पेशल मेजॉरिटी एंड द सेकंड वन इज सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी बट विद द एसेंट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ वेरी गुड ओके। जो अलीशा बोल रही है वो सही है, सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। एनी हाउ इसमें सिर्फ दो अमेंडमेंट्स आपके बताए हुए हैं। तो अमेंडमेंट जो है वो तीन टाइप के हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी, कि आपको कोई चीज अमेंड करनी है सिंपली, आपको अगर मोर देन हाफ पीपल प्रेजेंट है, सॉरी मोर देन हाफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर वोट कर रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी अमेंडमेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ओके। उसमें क्या होगा, आपको कितना चाहिए मेजॉरिटी? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट या फिर एंड इसमें लगा सकते हो, बट बोलो, लेकिन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप जो है उससे आपका ज्यादा होना चाहिए। बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा तो भी टेंशन मत लो। फिर तीसरा जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट्स जो है, तो उनसे आपको रेटिफाई होना चाहिए। तो इसमें से सेकंड एंड थर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंडर मेंशन किए हुए हैं। बाकी ये जो फर्स्ट मेजॉरिटी वाली जो चीज़ें हैं ओके सिंपल मेजॉरिटी, वो रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स में इधर उधर कहीं ना कहीं लिख के छोड़ दिए, सिंपल ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट का नाम वगैरह चेंज करना है
ओके तो वो उसी आर्टिकल 2 या 3 में वहीं पे लिख दिया है कि किसी की स्टेट का नाम अगर चेंज करना है आप लोग ऐसे ऐसे सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो. डन. फॉर एग्जाम्पल कोरम लगता है. कोरम मतलब क्या कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एमपीज चाहिए ही चाहिए अगर आपको पार्लियामेंट का डे टू डे रूटीन जो है वो चलाना है. फॉर एग्जाम्पल ये लोकसभा है. लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 545 में से सिर्फ 4 मेंबर बैठे हुए हैं. हम लोग चला सकते हैं क्या? फिर उसमें से अगर हम बोलेंगे कि हाफ लोगों ने तो पास कर दिया, उसको बिल हो गया पास. 4 में से 3 लोगों ने पास कर दिया तो बिल हो गया पास. चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इसके लिए कोरम एटलीस्ट चाहिए. तो कोरम कितना है? 10%. 54.5 मतलब कितना? 55 मेंबर्स तो भी एटलीस्ट चाहिए. बट समझो वो आपको चेंज करना है कोरम का जो भी 10% क्राइटेरिया रखा है उसको चेंज करना है तो आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो. ये सब आपके सिंपल मेजोरिटी में रखें. स्पेशल मेजोरिटी में यूजली फंडामेंटल राइट DPSPs जो डिफिकल्ट है थोड़े से और जो फीचर्स ओके फेडरल गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता है वहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की परमिशन लगेगी. समझ में आ रहा है? फेडरल फीचर्स कौन एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेडरल? फेडरलिज्म बताया हुआ है मैंने. कौन बता सकता है? अच्छा नए स्टूडेंट्स कितने आए पहली बार जो बैठ रहे हैं? ओके तुम में से किसी को ट्राई करना है क्या? एक्सेप्ट यू दर्शन. सेंटर एंड स्टेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी. ट्राई कराए थे? फेडरलिज्म म्हणजे काय? यस दर्शन. कोई बात नहीं. रजिया ठीक है. लोकल बॉडीज वगैरह हो गया तो क्या हो गया उसका? व्हाट्स योर नेम? हीना. तो सिंपल फॉर्म में एक्चुअली उसको बोलते हैं टू और मोर देन टू गवर्नमेंट रहना. तो उनको अलग अलग आप पावर्स दे देते हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज द फर्स्ट कंसेप्ट कि आपके पास पावर्स है बट सारे के सारे काम मैं नहीं करते बैठूंगा. ठीक है जैसे एग्रीकल्चर सोचो अगर एग्रीकल्चर हर एक जगह पे एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज जो है वो अगर यूनियन गवर्नमेंट देखते बैठी कैसे होगा? अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स है और अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोग हैंडल करेंगे. तो इसके लिए पावर डिवाइड करके रख दिए कि टू टीयर गवर्नमेंट होगी. टू टीयर गवर्नमेंट कैसे है आपकी कि एक जो है वो होगी यूनियन गवर्नमेंट दूसरी होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट. एटलीस्ट दो तो भी आपकी होंगे ही होंगे. सो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब इनको अलग अलग अपने काम दे के रखे हुए जो पूरे इंडिया थ्रू आउट आपको यूनिफॉर्म चाहिए उसके लिए क्या होगा? यूनियन लिस्ट. ठीक है जो आपको स्टेट वाइज डिफर करता है. अब जैसे हिमाचल प्रदेश आप देखो उनके प्रॉब्लम्स क्या होंगे? अलग होंगे. यूपी जो है उसका अलग प्रॉब्लम है. क्यों? हिमाचल प्रदेश जो है वो हिली स्टेट है. हिली स्टेट है वहाँ पे रोड खर्च करने रोड वगैरह बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा होगा उनको ज़्यादा पैसे लगेंगे. या वहाँ का एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिफरेंट होगा. उनके यहाँ पे एप्पल ऑर्कार्ड्स है. यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा एकदम आपका मेजरली राइस कल्टिवेशन है ये है. तो दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगे ना. तो स्टेट उसके लिए फिर अपने अपने पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाए. ओके तो अब ऐसी चीजें अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी डिसाइड करके दी हुई आपको. फॉर एग्जांपल ओके फॉर एग्जांपल आपके ऑलरेडी 7th शेड्यूल में लिस्ट बना के दिए हुए हैं. 3 लिस्ट बना के दिए. स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन काम करेगा. स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट काम करेगा. कंकरेंट लिस्ट पे दोनों भी काम कर सकते हैं. ओके बट अगर एक आधा काम ओके अगर स्टेट लिस्ट में से आपको स्टेट लिस्ट में से आपको इधर कंकरेंट लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट में डालना है तो एनी हाउ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन कर सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. तो कल को अगर राज्यसभा में प्रेजेंट पार्टी की मेजोरिटी आ गई ठीक है प्रेजेंट पार्टी की मेजोरिटी आ गई अब उन्होंने उनके हिसाब से मन में आया चलो इनकी लिस्ट अभी खत्म कर देते हैं फटाफट एग्रीकल्चर अपने पास ले लो पुलिस अपने पास ले लो लॉ एंड ऑर्डर अपने पास ले लो तो कैसे चलेगा फिर? तो इसके लिए एक तो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आप लोग ये हाफ जो स्टेट्स है उनकी एटलीस्ट परमिशन लो. अगर वो आपको इसके लिए सहमति दे रहे हैं
ओके, तो ही आप लोग वो लिस्ट में चेंजेस वगैरह कर सकते हो. सो फेडरलिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर अंडर केशवानंद भारती केस. कुछ बोलना है पूर्वा? ओके, समझ में आ रहा है? यस, हाँ. यस, बोल सकते हो. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स फेडरलिज्म. हम लोग आगे देखेंगे, ओके, जब अपने फेडरल फीचर्स देखेंगे तब. अगेन, वो भी बाद में ही देखते हैं यूएस में और अपने में क्या डिफरेंस है. फिर हमारे यहाँ पे क्या है, तो अपने फीचर्स हम लोग देख रहे हैं. सिंगल सिटीजनशिप है क्या? ठीक है. सेकुलर स्टेट है क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? हर एक को वोटिंग का राइट मिला हुआ है, बराबर. सिमरन, सही है. अबाव 18, ठीक है, हर एक को वोटिंग का राइट मिला है, बट अबाव 18, सिंपल, ठीक है. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अपनी इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैंने एक्सप्लेन किया था. यस, देखते हैं अभी किसको याद आता है. अलीशा से ही पूछते हैं, लॉयर से ही पूछते हैं. क्या बोलते हैं लॉयर्स? ठीक है, ओके, मैंने क्लियरली आपको बताया था. यस, बट मेजरली व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी? इट मींस दैट बोथ सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज, ओके, बोथ विल बी एडजुडिकेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. दैट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ये मे भी अभी क्लियर नहीं हो, ओके, बट इस पे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको, जब आप लोग प्रीलिम्स वगैरह पढ़ने जाओगे ना, तब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी मींस व्हाट. तो उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन ये भी होगा जो आप बता रहे हो. बट एक्चुअल आंसर इंटीग्रेटेड जुडिशरी का है दैट बोथ, ओके, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज, ओके, आर एडजुडिकेटेड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी. और इंडिपेंडेंट तो है ही, बिकॉज वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके. उसके बाद में अभी अलग अलग फीचर्स देख लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने कौन कौन से फीचर्स लिए हुए, इससे अपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आ जाएगा. फिर फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग आ जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों ने फेडरल स्कीम ली है, ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था 1935 को जो एक्ट था उसी में उन लोगों ने तीन लिस्ट बना दिए थे, एक फेडरल लिस्ट थी, दूसरी यूनियन लिस्ट थी, तीसरी कंकरेंट लिस्ट थी. तो 1935 के एक्ट से ये उठाया हमने. और क्या उठाया? ऑफिस ऑफ गवर्नर, ओके. सो हमारे यहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर कैसा है? कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है मतलब कौन अपॉइंट कर रहा है? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, हेडेड, हु इज हेडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. तो ये जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि गवर्नर, मतलब एक्चुअली गवर्नर को कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि ही इज एजेंट ऑफ सेंटर. तो स्टेट में जाके वहां सुन रहा है सारी बातें, क्या क्या कर रहा है स्टेट वर्क, सिंपल. तो ये जो प्रोविजन है ये भी कहां की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फिर उसके बाद में अपने यहाँ पे जो जुडिशियरी के कुछ फीचर्स है वो भी है. पब्लिक सर्विस कमीशन है, कुछ थोड़े बहुत इमरजेंसी के प्रोविजंस है. ये सब काम हम लोगों ने कहाँ से लिए हुए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके. उसके बाद में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो अपनी मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट है. कौन कौन सी है? तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपना. कैन समवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दिव्य ज्योति, नहीं? कौन बचा यहां से? यस, फर्स्ट बेंच, व्हाट्स योर नेम? सोनाली, यस. हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल, उसको हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. प्रियंका,
पहले ही उतना बज रहा है जोर से. बोल. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यस. एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट एनी एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. दैट इज दे हैव ड्यूअल मेंबरशिप. यस. समझ में आ रहा है. हम लोगों ने इसी के साथ कंपेरिजन किसका देखा था. यूएसए का. यूएसए पे ऐसा कुछ है क्या. नहीं है. तो इंडिया में अगर आप देखो तो यहाँ का जो लेजिस्लेचर है पहले तो आपको आई सपोज सबको पता है कि तीन फंक्शंस है और तीन फंक्शंस तीन लोगों को दिए हुए हैं. लेजिस्लेचर को क्या काम दिया है. लॉज बनाना. ओके. मेकिंग लॉज. एग्जीक्यूटिव को क्या काम दिया है. इसको क्या काम दिया है. एडजुडिकेट करने का. ओके. सिंपल जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करने का काम है. तो ये तीनों काम अगर अलग अलग होंगे तो बेटर होगा. और ये जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे. और ऐसे इन लोग एक दूसरे का इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करेंगे. किसी ने भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. ओके. लेकिन लेकिन अपने यहाँ पे कैसा है. अपने यहाँ का पूरा फॉर्म ही अलग है. अपने यहाँ पे लेजिस्लेचर है. बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव बना दिया. लेजिस्लेचर है उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव का बनता है. और वैसे ही अपना जुडिशरी जो है वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है. तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज उसका हेड ऑफ स्टेट कौन है. उसका हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है. यहाँ पे दो इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. एक होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन और दूसरा जो है यहाँ के लेजिस्लेचर. यहाँ पे भी दो हाउसेस है. बायकैमरल लेजिस्लेचर. ओके. नीचे जो है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स इन लोग बोलते हैं या कांग्रेस बोलते हैं और ऊपर जो है उसको सीनेट बोलते हैं. ठीक है. इसके इलेक्शंस अलग से होंगे और इसके इलेक्शंस अलग से होंगे. ठीक है. यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या होता है कि लेजिस्लेचर के उसमें से भी मेजरली किसके लोकसभा के इलेक्शन जो है वो सिर्फ डायरेक्ट आपके इलेक्शंस होते हैं. बट यहाँ पे कभी भी जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है ओके उसका कभी भी इलेक्शन नहीं होता है. सीधा वो आप लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करके देते हो. जिसका लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी हो गया ओके उनकी वहां पे पार्टी जीत गई है. अब उनके पार्टी में से कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के पास 303 सीटें हैं और एनडीए अगर पूरा पकड़े तो 350 सीटें आउट ऑफ 545. बट ओनली 70-80 और 60-70 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव. और उन्होंने भी उसमें से चूज किया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी बनेंगे. समझ में आ रहा है. ऐसा होता है. यहाँ पे सीधा ट्रंप जो है उसके लिए सीधा लोग ही वोट करते हैं. मतलब कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है. सीधा ट्रंप आया उसके लिए वोट किया डन. अभी ट्रंप बोल रहा है मेरे को वापस जीतना है. सो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों अपने को ऐसा चाहिए. बिकॉज हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट गया ओके तो भी उसी पार्टी का ऑलमोस्ट रूल वापस रहता है. कैसे. हम जो प्रेसिडेंट मर गया या प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया निकाल दिया वहां से तो उसके बाद में भी उसने जिसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है वही वाइस प्रेसिडेंट वापस से अगला प्रेसिडेंट बनता है. वहां पे इमीडिएटली इलेक्शन नहीं होता है. बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है. अपने यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर गया या प्राइम मिनिस्टर यहाँ से मेजोरिटी हार गया ओके तो वापस से आपका या तो इलेक्शन होगा या फिर इनमें से जिस पार्टी ने उनको अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव किया है उस पार्टी को वापस मौका मिलेगा. मतलब शायद से वाइस प्रेसिडेंट का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. मे बी वहां पे होता है उनका. नहीं बट कभी कभी जैसे अभी जो भी मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स में देखा है अभी तक तो उसमें कभी कभी उसको सीधा नॉमिनेट भी कर सकता है. तो वो क्या करता है पहले वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको कैसे तो भी निकलवा देता है. फिर उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को हटा के वो खुद प्रेसिडेंट बन जाता है. फ्रैंक अंडरवुड. ठीक है. नहीं है तीतर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है. बस आपकी रास्ता रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. दोघांना पण विचारतात. लेजिस्लेचर पण त्यांना प्रश्न विचारतो आणि तुम्ही म्हणजे तुमच्या एमपीसला पण तिथं प्रश्न विचारू शकता. तिथं काँग्रेस मेंबर म्हटलं जातं पण तुम्ही काँग्रेस मेंबरला पण विचारू शकता की हे का नाही लॉ आणत आहात तुम्ही आणि प्रेसिडेंटला म्हणू शकता की हे काम का नाही करत आहात तुम्ही. दोन्ही पण रिस्पॉन्सिबल. ठीक आहे. ओके. बट स्टील मैं एक बार वो कन्फर्म करूंगा क्योंकि कभी कभी उन लोग सीधा डिक्लेअर करते जैसे इसने डिक्लेअर किया हुआ था.
ऑलरेडी कि मेरा वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेगा वगैरह, ओके कंफर्म कर लेंगे एनीवेज, वो नहीं पूछते, इधर ध्यान दो। वही मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी वो नॉमिनेट भी तो करता है ना, अगर वो चले गया है तो वापस से इलेक्शन थोड़ी होता है। वाइस प्रेसिडेंट अगर वहां का गया है तो उसको नॉमिनेट भी किया जाता है, और नॉमिनेट करने वाली उनकी खुद की पार्टी वगैरह होती है। तो इसीलिए एक बार मुझे कंफर्म करने दो, कल कंफर्म कर लेंगे। एनीवेज उधर मत जाओ, इधर आओ, ठीक है। सो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने लिया है, ठीक है। और क्या लिया हमने वहां से? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जो भी है ऐसे बिल वगैरह अमेंड करना, ये करना वो करना, ये सारे प्रोसीजर्स हम लोगों ने वहां से लिए। सिंगल सिटीजनशिप, अपने यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। यूएस में है क्या ऐसा? यूएस में स्टेट की अलग से सिटीजनशिप है और यूनियन की अलग से सिटीजनशिप है। वहां पे लोग कैलिफोर्निया का मेंबर बन सकते हैं या सिटीजन बन सकते हैं, वैसे ही उन लोग यूएसए के मेंबर तो है ही, बट अपने यहाँ पे ऐसे महाराष्ट्र के सिटीजन ऐसा कहीं लिखा है क्या? हम लोग इंडियन सिटीजन है, ओके, बट डोमिसाइल तुम्हारा चेंज हो सकता है। डोमिसाइल मतलब अलग चीज होगी कि तुम कहाँ रह रहे हो, उसको हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो डोमिसाइल और सिटीजनशिप के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे मैं राजस्थान से यहाँ आया हूँ, ओके, अब मैं पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो मैं यहाँ का डोमिसाइल बन गया, वापस और कहीं जाऊँगा तो वहाँ का बन जाऊँगा, सिंपल। उसके बाद तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, अगेन हम लोगों ने वहां से लिया। व्हाट इज बाइकैमरलिज्म? व्हाट इज बाइकैमरलिज्म बोलने दो, व्हाट इज बाइकैमरलिज्म पायल? टू नो, गलत सुन लिया तुमने। हाँ सुनील, टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर्स, कौन कौन से दो हाउसेस है दर्शन? ओके, राज्यसभा को राज्यसभा क्यों बोलते हैं? वेरी गुड, ओके, इट रिप्रेजेंट्स स्टेट्स एट द सेंटर। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे और राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे, कहां से? स्टेट्स में से। तो आप लोगों ने एमएलए चुन के रखे हुए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। ये लोग जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किसको करते हैं? एमपीज जो है, ओके, जैसे अभी गुजरात में चल रहा है एमपीज, राज्यसभा के एमपीज का इलेक्शन, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ फीचर्स चुराए हुए हैं, कौन कौन से? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और क्या है? जुडिशियल रिव्यू, ओके। तो हम लोगों की जुडिशरी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है, मैंने आपको इसका रीजन बताया था, किस किस को याद है? हमारे यहाँ पे जुडिशरी खुद ही खुद को अपॉइंट कर रही है, ठीक है। आप लोग आगे सीखेंगे कोलेजियम नाम का सिस्टम होता है, तो कोलेजियम में सीनियर मोस्ट चार जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पांच लोगों की, ओके, इनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो खुद ही अपॉइंट कर रही है कि अगले जजेस कौन बनेंगे, हाई कोर्ट में किसको रखना है, सुप्रीम कोर्ट में किसको रखना है, किसको कैसे करना है, वही डिसाइड करते हैं और बाद में प्रेसिडेंट को बोलते हैं इसको अपॉइंट कर दो। बट ऐसा बाकी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा जहां पे जुडिशरी खुद ही खुद को अपॉइंट कर रही है। इवन हम लोगों ने जहां से ये जुडिशियल रिव्यू वाला फीचर लिया है, कहां से? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से या यूएसए से। यूएसए में भी आपके वहां का प्रेसिडेंट जो है वही अपॉइंट करता है या वही रिकमेंड करता है किसको अपने को बनाना है, ओके, ठीक है। हाँ तो वो कैसे ये कॉलेजियम सिस्टम आया था, वो जब हम जुडिशरी के सिस्टम में जाएंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हमेशा के लिए ऐसा नहीं था अपने यहाँ पे, एक टाइम था जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वगैरह थी तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि प्रेसिडेंट जो है मतलब जो गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव है वही अपॉइंट करती थी, वही डिसाइड करती थी किसको क्या करना है वगैरह वगैरह। बट बाद में जैसे जैसे आगे गए तो जुडिशरी ने क्या किया, ज़्यादा खुद के पास अपने पास पावर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और बाद में तो आई थिंक 1998 का जो इनका एक केस हुआ था, जजेस केस, थर्ड जजेस केस जिसको बोला जाता है, उसमें तो उन्होंने पूरी पावर अपने पास ले ली कि अभी तुम गए मैं ही अपॉइंट करूंगा। एनजेएससी का कंट्रोवर्सी ऐसा है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था हमने, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया था, तो अभी ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव को ये सब पसंद आएगा क्या कि तुम लोग खुद ही खुद का चलाए जा रहे हो वगैरह। और उस टाइम पे जुडिशरी में बहुत सारे ऐसे करप्शन के केसेस वगैरह भी दिखे थे, तो जजेस क्या कर रहे थे? अब ऑब्वियसली मैं जज हूँ, ये जज है, ये भी जज है, हम लोग मिलके क्या करेंगे,
इसका बेटा जो लॉयर है उसको भी जज बना दो अभी, ठीक है? तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अंदर के करप्शंस बाहर आ रहे थे, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस वगैरह भी बाहर आए थे जुडिशरी के। तो अब फिर लेजिस्लेचर के पास में पावर है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का, तो उन्होंने बोला कि एक नेशनल जुडिशियल ओके अपॉइंटमेंट कमीशन, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग बनाते हैं। तो उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिसमें कुछ लोग जो है जीरो फोर जीरो सेवन सबको पता चल गया और अब तो वो पूरे दुनिया को पता चल गया, चेंज करना पड़ेगा। एनीवेज, सो कहाँ था मैं, अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। एनजेएससी, हाँ, तो एनजेएससी में क्या हुआ था, तो अब इसमें फिर कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स है, कुछ आपके जुडिशियरी के मेंबर्स थे और कुछ आपके सिविल सोसाइटी में से इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है उनको लिया गया था। अब इन लोगों का जो टीम है, इन लोग अब डिसाइड करने वाले थे कि कौन कौन से जजेस कैसे कैसे आने वाले हैं या किसको अपॉइंट करना है। उसके लिए एक पीछे एक बैक टीम थी उनकी, ओके, जो पूरा पीछे काम करती थी, अलग अलग जजेस के बारे में रिव्यू करना, ये करना, अलग अलग जजेस की एप्लीकेशन लेना, ये सब काम वगैरह करने वाली थी। बट सुप्रीम कोर्ट, मैं बोला मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन अपने इंडिया का, उसमें बोला हमको नहीं जम रही है। सो एनजेएससी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट बिकेम वॉइड, ठीक है? तो अभी वही पुराना सिस्टम चल रहा है। अब इन लोगों ने बोल दिया है कि तुम, हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ में मिलके ओके एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर डिसाइड कर लेते कि क्या क्या करना है वगैरह, बट वो अभी तक कोई फाइनल हुआ नहीं है। एनीवेज, सो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? फिर उसके बाद में रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये वाला पार्ट भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, डीपीएसपीज, क्या है डीपीएसपीज, नॉन जस्टिसिएबल, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊ। नॉमिनेशंस, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ओके। तो अब इसमें चीजों में फर्क देखो, मैं बोल रहा हूं आपको नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड नॉट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बिकॉज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की प्रोसीजर हमने कहां से ली है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल इस चीज का ध्यान रखो। राज्यसभा के जो 245 मेंबर्स है उसमें से 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो जो भी जिन जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है उनको सीधा नॉमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से अगर किसी ने अच्छा काम कर दिया तो मैं आगे तुमको नॉमिनेट कर दूं, ठीक है? सो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और कुछ लोग जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। तो वो उनकी इलेक्शन की प्रोसीजर कैसी है इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आने की, वो हम लोगों ने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, एंड नॉमिनेशन कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जस्ट रिमेंबर दिस, मैंने आपको बताया पॉलिटी में सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाउएवर पे ध्यान दिया करो, जहां जहां पे ऐसे वर्ड आ गया हाउएवर समझ लो वहां पे अपने को कॉशियस रहना है, ओके? फिर सेम मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अपना फेडरल फॉर्म ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो मेजरली हमने कहां से चुराया, कैनेडा, ओके? तो मैंने आपको बताया था, वापस एक बार जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता देते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फेडरलिज्म जो है वो दो टाइप के है, एक जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल, एंड दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इसी को आप लोग और एक नाम दे सकते हो, सेंट्रीपिटल को आप लोग बोलते हो बॉटम अप, एंड सेंट्रीफ्यूगल जो है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन। सो सेंट्रीपिटल मतलब क्या, तो जो फोर्स जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको आप सेंट्रीपिटल बोलते हो, और सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स होता है, जो सेंटर से अवे है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। वैसे ही अब इसमें याद रखना है, सेंट्रीपिटल मतलब क्या कि आपके, अगेन अगर आप लोग यूएसए को कंसिडर करो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के जो इनके पहले से ही जो कॉलोनीज वगैरह थे ये सब साथ में हैं, तो इन लोगों ने सबने कॉन्वर्ज किया अपनी पावर्स,
और उसके बाद में इन लोगों ने एक यूनियन गवर्नमेंट बनाई जिसको इन लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए उनके स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल है और यूनियन उनका वीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए क्योंकि स्टेट ने उनको परमिशन दी है कि हाँ तुम लोग करो, तो इसलिए उनके स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल है, यूनियन वीक है। अपने यहाँ पे उल्टा हुआ है, अपने यहाँ पे क्या हुआ है, अपने यहाँ पे क्या हुआ है, यूनियन अपना पहले ही पावर में था और उसने अलग अलग स्टेट बनाए, सो दैट इज वाई इट इज सेंट्रीफ्यूगल या फिर टॉप डाउन वाला। तो ये स्टेट्स हमने यूनियन ने बना के दिए, इसलिए ऑब्वियसली कौन पावरफुल होगा ज्यादा, यूनियन, सिंपल। तो कभी कभी अपने फेडरल स्ट्रक्चर को क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है बिकॉज इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूनियन। ओके, यूनियन को ज्यादा पावर्स दे के रखे हुए, तो इसलिए इसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ या क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये वाला जो फीचर हमने लिया है, अपने पास भी ये दो ऑप्शन थे, या तो स्टेट्स को बहुत पावरफुल बनाओ या फिर स्टेट्स को वीक बनाओ। तो ये हमने कहां से लिया है, कैनेडा। ओके, सो अपना ये सिस्टम कैनेडा से बेस्ड है। तो सीधा याद रखो, कभी कभी आप लोग लॉजिक से इसको याद रख सकते हो, वीक फेडरल स्ट्रक्चर की जब जब बात आए तो वो कहां से इंस्पायर्ड होगा हर बार, कैनेडा से। तो अब उसकी देखो, फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कैनेडा से। वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर्स, रेसिडरी पावर मतलब जो पावर्स अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट में मेंशन नहीं है वो पावर्स फिर किसके पास रहेंगे, उसको रेसिडरी पावर्स बोलते हैं। तो अगर आप लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट देखो तो उसमें सब्जेक्ट्स मेंशनड है, सब्जेक्ट्स को ही हम लोग पावर बोलते हैं। किसी को पता है कितने कितने सब्जेक्ट्स कौन कौन से लिस्ट में है? 100 वाला सही है, इनको कितने दिए हैं, 60। ठीक है, यूनियन को 100 सब्जेक्ट्स दे के रखे हुए हैं, 100 सब्जेक्ट्स पे वही काम कर रहा है। स्टेट्स को 61 सब्जेक्ट्स दे के रखे हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स डाल के रखे हुए हैं। ओके, तो अब इन पावर्स को छोड़ के अगर कोई नई चीज आती है, जैसे मैंने आपको बताया था 1993-94 में सर्विस टैक्स हम लोगों ने लगाना शुरू किया था, इससे पहले हम लगा नहीं रहे थे। सर्विस टैक्स कहीं मेंशन था कि इसमें नहीं था, नया आया तो यूनियन ने क्या किया, खुद के पास ले लिया। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। अभी जस्ट एलन मस्क ने अभी घोषणा भी की है, क्या घोषणा की है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तुम, क्या बोला है एलन मस्क ने, एक नई कंपनी बनाई है आई थिंक कुछ न्यूरा लाइफ वगैरह, अब ही वॉन्ट टू इंटीग्रेट आर ब्रेन एंड चिप्स मशीन्स। तो उसके लिए उसने एक नई कंपनी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, अभी जस्ट कल की ही न्यूज है, कल के ही न्यूज़पेपर में था वो। तब उसका एम है कि तुम्हारे दिमाग में ये भरो और तुमको पॉलिटी पूरी याद, ठीक है? तो उसका मानना है ऐसा कि हम लोग उस तरफ में भी जा सकते हैं एंड ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हिज स्टार्टअप फॉर दैट पर्पस, आई थिंक न्यूरा लाइफ ऐसे ही कुछ नाम है उसका, ठीक है, सोचो अभी। एनीवेज, अपॉइंटमेंट पॉइंट बीइंग रेसिडरी पावर्स आर विद यूनियन, ओके, और ये वाला फीचर हमने कहां से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, अगेन कहां से लिया है, यूनियन। एडवाइजरी, सॉरी, कैनेडा से। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये बाद में देखेंगे हम, तो ये भी कहां से आया, कैनेडा से आया। कुछ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वो है कंकरेंट लिस्ट, ओके। दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सो इंटर स्टेट ट्रेड जो है उसमें हर एक को फ्रीडम होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो भी हम लोगों ने लेके रखा है, कॉमर्स वगैरह ये सब है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, क्या होता है जॉइंट सिटिंग, राज्यसभा और लोकसभा साथ में बैठता है, ओके, क्यों बैठता है, ठीक है, समझो कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मुझे करनी है बट उसमें इन दोनों के बीच में मतभेद है, क्या होगा, नहीं हो सकता, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो क्या हो गया, इट हैज टू बी पास बाय बोथ हाउसेस, अरे दोनों हाथ साथ ही बैठे तो फिर क्या प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, ओके, व्हाट अबाउट अदर बिल्स, स्टैट्यूटरी बिल्स के लिए क्या है, मनी बिल के लिए क्या है, ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या है,
ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या है? तो याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ओके? मतलब समझो, एक कोई तो लॉ है, मैंने आपको बताया, रोटी एक इधर से जलाओ उधर से जलाओ, ओके, बट एक साइड से बहुत ही ज़्यादा जल रही है, या फिर दोनों एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो उस केस में क्या होगा, आपको दोनों को साथ में बिठाना पड़ेगा। उस ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन जो है हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, ठीक है? आगे बाद में हम लोग देखेंगे उसको। फिर वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का था? जर्मनी। तो जर्मनी में किसका रूल था पहले? हिटलर का। तो याद रखो बस, इमरजेंसी वाले प्रोविजन कहाँ से लोगे फिर? ठीक है, तो इमरजेंसी नहीं बट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वाली प्रोविजन कहाँ से लोगे? जर्मनी। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया आपने? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? राइट टू वोट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? या वोट करना फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? गलत, नहीं है। टैक्स भरना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं चाहता कि आप टैक्स भरो। एनीवेज, बाकी आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो है वो भी हम लोगों ने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तीन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है, किसी को पता है क्या? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के तीन वर्ड्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये तीनों वर्ड्स आपके प्रीएम्बल में है क्या? ओके, ये तीनों वर्ड्स आपके प्रीएम्बल में। तो मैंने आपको बताया अपना प्रीएम्बल, अलग अलग जगह से उसको लेके हम लोगों ने बनाया हुआ। आई थिंक फ्रांस के फ्लैग में भी तीन कलर्स वगैरह इन्हीं के है, ऐसा कुछ है कंसेप्ट उनका, ठीक है? फिर है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 वाली, कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये कंसेप्ट जब हम लोग आर्टिकल 14 देखेंगे तब उसमें देखने वाले कि व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है? प्रीएम्बल अपना हो गया है, अब हम लोग सीधा आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। सिटीजनशिप वगैरह हम लोग बाद में लेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, धीरे धीरे उसको ले लेंगे। फंडामेंटल राइट्स, यूनियन टेरिटरीज, ओके। तो सिर्फ दो ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी बनी हुई है, कौन कौन सी है? दिल्ली एंड पांडुचेरी, नाम अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, पुडुचेरी, ओके। बट पुडुचेरी में आपको पता है क्या कि पुडुचेरी की टेरिटरी कहाँ कहाँ है? तीन स्टेट्स में, हाँ। तो याद रखना उनका कुछ पार्ट जो है यहाँ है, उसके बाद कुछ पार्ट यहाँ है, कुछ पार्ट यहाँ है, तो ऐसे चारों का मिला के वो उनका पुडुचेरी बनता है, इसको याद रखना। तो ये नम है, फिर उसके बाद में कराईकल है, पुडुचेरी है और माहे है, ऐसे चार टेरिटरीज अलग अलग जगह पर, ठीक है? तो अपने को यूजुअली लगता है पुडुचेरी मतलब यहीं कहीं तो है, बता रहा हूँ। फिर अब यही दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज है, तो अपने पास टोटल यूनियन टेरिटरीज कितना है? 7, ओके। बट यही दो ऐसे है जहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और एक अंडमान निकोबार को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया है, बट वहाँ पे कोई स्टेट लेजिस्लेटर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है। तो इस केस में फिर ओके, इनको थोड़े से एक्स्ट्रा पावर दे के रखे हुए, उसमें भी ज़्यादा पावर जो है, ज़्यादा पावरफुल इसको बना के रखा हुआ है दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्यों? बिकॉज दिल्ली जो है उसका स्ट्रक्चर यूनिक है। दिल्ली एक तो यूनियन जो है ओके, उसकी प्राइम सीट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से रूल कर रहा है? दिल्ली से रूल कर रहा है। इसके लिए क्या लगता है, फिर वो किसी स्टेट के अंडर हम लोग दे सकते क्या उसका ज्यूरिसडिक्शन? नहीं दे सकते। तो इसलिए कुछ पावर जो है वो उनको दे के रखे, कुछ पावर्स खुद के पास रखे हुए, ऐसे करके वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना के दी और पावर डिवाइड किए हुए। ये दोनों का सिर्फ अलग मेथड है, बाकी के जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर है हर जगह, बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो फिर सेंटर के ही एकदम पूरे के पूरे नुमाइंदे है, उधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ पड़ता है ये दो स्टेट्स में।
नो, हर बार कोई भी गवर्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, ही विल ऑलवेज बी ओके एजेंट ऑफ सेंटर. बट हाँ, गवर्नर जो है यूजली पार्ट ऑफ स्टेट मशीनरी, हम लोग बोल सकते हैं, होता है उसका पार्ट, बट वो एजेंट किसका होता है? ठीक है, और कुछ पूछना है अलीशा? हाँ, डोमिसाइल होने का फायदा क्या? वो जम्मू कश्मीर का एक अलग मैटर है, आर्टिकल 370 जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. ऐसे कोई फर्क है, सच कोई ज्यादा नहीं पड़ता है. हाँ, कुछ इसलिए देते हैं बिकॉज तुम खुद सोचो, अगर जो इस स्टेट में रह रहे हैं उनको चाहिए कि वो उनके घर के आसपास में ही कहीं तो पढ़ाई करें, क्योंकि अगर जैसे ही आप बाहर जाते हो तो उधर का आपको खाना या उधर का एनवायरनमेंट में भी आपको सूट नहीं करे. जैसे दिल्ली जाओ आप, ठीक है, विंटर में ऐसे आंखें जलती है कंटिन्यूसली, इतना पोल्यूशन वहाँ पे हो जाता है. तो भले ही फिर अब बहुत लोग बुला रहे हैं कि दिल्ली आ जाओ, यहाँ पे भी है सब कुछ है, बट नहीं जाते कि नहीं मैं दिल्ली से दूर ही ठीक हूँ. ओके, दिल्ली से तुमको क्यों रहना है पोल्यूशन वाले लाइफ. सो इसलिए अब जो लोग यहाँ के रहना चाहते हैं तो उनके लिए एटलीस्ट एक डोमिसाइल क्राइटेरिया उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वगैरह वो सब बना के रखना जरूरी है फिर. यूएस से जुडिशरी नहीं ली हमने, पूरी जुडिशियल रिव्यू वाला पावर जो है वो हम लोगों ने यूएस से लिया हुआ है. जुडिशरी रिव्यू एक अलग चीज है और जुडिशरी पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर लेना अलग चीज है. एग्जैक्टली, अपने यहाँ तो बहुत पुरानी है जुडिशरी. ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है रजिया, ये क्वेश्चंस अभी यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, इनको मैं भी बाद में ले सकता हूँ. ओके, अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं. फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मेंशनड है? पार्ट थ्री, आर्टिकल कौन से तक? 14 to 32 तक, 12 to 35. ठीक है, 12 to 35. Why do you need fundamental rights? Why do you need fundamental rights? क्या? To evolve as an individual. Wow. ओके, बट ओनली अगेंस्ट सेंटर? एग्जैक्टली, सो आई सेड वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. इफ यू से सेंटर देन ओनली सेंटर विल कम इनटू द पिक्चर, बट इफ यू से स्टेट तो या गवर्नमेंट जब बोलोगे तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी आ जाएगी उसमें. तो यूजली इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के अगेंस्ट में आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए होते. उसको पता है ये तेरे फंडामेंटल राइट्स है, मुझे पता है ये मेरे फंडामेंटल राइट्स है. अपना झगड़ा हुआ है क्या कभी कि तुझे कुछ मैं बोलने नहीं दूंगा वगैरह? यूजुअली नहीं होता है. या फिर तुझे मैं वोट नहीं देने दूंगा, ऐसा अपना तो कभी झगड़ा नहीं होता है. या और भी कोई चीज़ है तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जब कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो उसके टिरनी पे ना उतर जाए. फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी की पीरियड में ऐसा हुआ भी था. ओके, फैमिली प्लानिंग के नाम पे, फैमिली प्लानिंग के नाम पे जबरदस्ती लोगों को लिया और उनकी नसबंदी करवा दी गई, जो झोपड़पट्टी के लोग थे वगैरह वगैरह. ओके, तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं कि तुमको जैसे लाइफ जीनी है वैसे जिए, या जितने बच्चे पैदा करने उतने करो? ठीक है, बट अगर स्टेट जो है वो जबरदस्ती लेके आ रहा है आपको, उनको अपने टारगेट्स वगैरह पूरे करने हैं या और कुछ है, उसके लिए आप लोग एकदम ऐसे कर रहे हो कि नहीं नहीं आपको नसबंदी करनी पड़ेगी, इतने लोगों की नसबंदी वगैरह कर दी है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है. तो इसीलिए टिरनी ऑफ स्टेट, ये एक टिरनी तो मैं आपको लाइव मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा अपने साथ हुआ था, गवर्नमेंट के साथ हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के साथ ऐसा किया था. इंदिरा गांधी का जब इमरजेंसी फेज था, ओके, तो उस टाइम पे ये सारे एक्सेसेस हुए थे. So these fundamental rights are guarantees against the excesses or tyranny of state. State मतलब government. तो उनके against में आपको चाहिए. Individuals का कोई issue नहीं है, government के against में चाहिए. कल को government अपने हिसाब से whimsical होके
जैसे उसको रूल करना है वैसे रूल ना करते बैठे। इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। क्यों मिले हैं सबको पता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन राइट्स में उसका ओरिजिन है। बिकॉज आप देखो भी तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब हुआ था, 1948। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों ने उठाए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों ने बिल ऑफ राइट्स कहाँ का, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों ने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, ओके, कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो मैग्ना कार्टा से लिए हुए हैं। मैग्ना कार्टा मतलब कब, 1215 में, आज से 800 साल पहले, आज से 800 साल पहले ब्रिटेन के लोगों ने पहले ही बोल दिया था उसके राजा को कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कुछ राइट्स है जिसके अगेंस्ट में तुम लोग नहीं जा सकते। तो ये मैग्ना कार्टा से आता है। तो कभी कभी इसको ऐसा भी बोला जाता है कि दिस फंडामेंटल राइट्स आर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स आर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सो मैग्ना कार्टा आर वेरी फेमस। बाकी यू ऑल नो दैट दीज आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मीन्स व्हाट, इफ दीज आर इन्फ्रिंज्ड, ओके, और इफ दीज आर वायलेटेड देन यू हैव राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा भी बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन और प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। क्यों? बिकॉज फॉर दिस पर्पज यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला सीधा मेरे पास मत आओ, थोड़ा नीचे नीचे जाके आओ। एनीवेज, सो फंडामेंटल राइट्स आर नेम बिकॉज दीज आर गारंटीज विच यू नीड, ओके, फंडामेंटल लॉ है वहाँ से मिलता है आपको। बाकी आपके मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब फंडामेंटल राइट्स में आपको 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको मेजरली मिले हुए हैं। वो कौन से हैं? सो पहले 7 हुआ करते थे, बट एक आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला राइट हटा दिया। अब आपके पास 6 फंडामेंटल राइट के सेट है। सेट बोल रहा हूँ मैं, 6 फंडामेंटल राइट नहीं बोल रहा हूँ। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी। इक्वल में कितने लेटर्स है? 5, ठीक है। इनके लिए आपको इसके अंडर, इस सेट ऑफ राइट के अंडर आपको 5 राइट्स मिले हैं। कौन सा है? 14, 15, 16, 17 and 18, ठीक है। ऐसे मैं याद रखता हूं, मैं भी आपको बता रहा हूं। फिर आगे है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम में कितने लेटर्स हैं? फ्री में 4, इसके आगे गिनो, 19, 20, 21, 22, ये सेट ऑफ राइट्स आपको इसके अंडर मिले हुए, ठीक है। फिर उसके आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब मेरा लॉजिक मेरे हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। इसके लिए एक मिला है और इसके लिए एक मिला है, सो 23 and 24। मैं बोला माय किंगडम माय रूल्स। फिर है अगेन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें भी फ्री आ रहा है, ठीक है। तो 4 राइट्स आपको मिले। आगे गिनो कितने हो रहे हैं, 25, 6, 27 and 28, ठीक है। उसके आगे वापस आपको राइट्स मिले हुए हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें मेरे लिए एक ये है और एक ये है, 29 and 30, एंड लास्ट वन दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक ही आर्टिकल 32। क्या हुआ?
31 कहाँ गया? वो सब अभी मत ध्यान दो, 31 की बारी आएगी और 31 ही तुमको ज़्यादा रुलाएगा, तो इस पर ध्यान ही मत दो। मेजर आपके आर्टिकल्स ये है, और ये आर्टिकल्स आपको एट द फिंगर टिप्स याद होने चाहिए कि 15 में क्या है बताना आना चाहिए, 14 में क्या है बताना आना चाहिए, 17, 18, 19, 20 सब सारे आर्टिकल्स आपको एकदम फिंगर टिप्स पे चाहिए, बिकॉज यही आपको यूज़ करने है लिखने के लिए, हर बार आपको यूज़ करने है। सिर्फ GS2 के आंसर में नहीं, कहीं कहीं पे आपको GS1 में भी लगेगा, कहीं पे आपको GS3 में लगेगा, कहीं आपको SA में लगेगा, कहीं आपको GS4 में लगेगा, एंड अगर पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है फिर तो आपको लगेगा ही लगेगा, सिंपल, ठीक है। सो दीज आर सेट ऑफ राइट्स विच यू हैव गॉट, फंडामेंटल राइट्स, ओके। तो सबसे पहला इक्वालिटी, ये सारे राइट जो है वो इक्वालिटी से डील करेंगे। फ्रीडम, ये सारे राइट जो है वो तुम्हारे पर्सनल फ्रीडम से डील करेंगे। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उसके लिए आपको चार राइट्स मिले हैं। वैसे ही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्टली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को बाबा साहेब अंबेडकर ने बोला था इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट। व्हाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट? बिकॉज ही ऑल्सो सेड दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्राण है। अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो ये सारे राइट्स मीनिंगलेस है। व्हाट इज आर्टिकल 32? सो जो जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल हम लोग हर जगह लगा रहे हैं ना, वो जस्टिसिएबल उसके वजह से होता है, 32 के वजह से होता है। अगर वो राइट नहीं हो तो बाकी कोई जस्टिसिएबल नहीं है फिर। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से, बट उससे पहले अपने को आर्टिकल 12 और 13 पता होने चाहिए। आर्टिकल 12 एंड 13। तो अब जो हम लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि यू नो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, या फिर स्टेट जो है DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, फॉर किसके लिए? स्टेट के लिए। ये सब स्टेट है कौन फिर, मतलब एग्जैक्टली ये स्टेट है कौन? सो डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन इन आर्टिकल 12। डेफिनेशन ऑफ दिस आर्टिकल या एग्जैक्टली स्टेट है कौन, वो आपका इसमें बता के दिया हुआ। तो उसमें कौन कौन है? तो आर्टिकल 12 में कम क्लियरली मैंशनड है, एक है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, उसके बाद सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड उनका भी लेजिस्लेचर, ऑल लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपालिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उसके बाद में बाकी भी और कोई बोर्ड्स वगैरह है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये वो, तो ये सब है, एंडोमेंट ट्रस्ट, फिर उसके बाद ऑल द अदर अथॉरिटीज विच आर स्टैचुटरी और नॉन स्टैचुटरी, फॉर एग्जाम्पल LIC, ONGC, सेल, भेल, ये सब क्या है? स्टैचुटरी या फिर नॉन स्टैचुटरी अथॉरिटीज है। और एक लास्ट इसमें मैंने लिखा नहीं है शायद से, वो है कि इफ सम प्राइवेट एंटिटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन से बनाया था कि इफ सम प्राइवेट अथॉरिटी, इफ इट इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई रोड कॉन्ट्रैक्ट दिया है और कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया हुआ है, तो इवन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी बट वर्किंग इन द पब्लिक कैपेसिटी, सो इट बिकम्स स्टेट, एंड उसके अगेंस्ट में भी फिर आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिला, बिकॉज यू हैव गॉट फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट हुम? दीज आर अगेंस्ट स्टेट। सो फर्स्ट यू नीड टू नो वॉट इज स्टेट, सेकेंड इज आर्टिकल 13। सो वॉट डज यस, तो वही आप अदर अथॉरिटीज में वगैरह पकड़ सकते, ठीक है। आर्टिकल 13, अब आर्टिकल 13 में क्या है? सिंपल, हम लोग हर बार चिल्लाते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर आती कहाँ से है? सुप्रीम कोर्ट के पास। मेजर जो है वो आर्टिकल 13 से आता है, बट एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा अभी इस पर ध्यान मत दो, आर्टिकल 13 का अगर उसका कंटेंट अगर आप पढ़ो तो उसमें क्लियरली सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि व्हाटएवर लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, इन सिंपल वर्ड्स। तो
कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने के पहले भी और कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद वाले लॉज भी, जो भी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वो इमीडिएटली वहीं से वॉइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? लॉज बनाए हैं, लॉज जो है आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, तो जो लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाएंगे सो दे विल बिकम वॉइड इन सिंपल वर्ड्स, ओके। और उसी को ऑब्वियसली फिर उसको इंटरप्रिटेशन वगैरह, वो लॉज कौन कौन से है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद की अगेन पावर से उसको इंटरप्रेट किया हुआ है कि लॉज में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या फिर अगर आप लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ बना रहे हो तो वो भी लॉ काउंट हुआ जाएगा। ऐसे सारी जो चीज़ें हैं वो इस लॉज में आ जाती हैं फिर फाइनली। तो जुडिशियल रिव्यू की एक्चुअल पावर कहाँ से लेता है? तो इसी से लेता है, आर्टिकल 13 से लेता है। समझ में आ रहा है? सो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 वॉट एवर लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद ओके फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। सिंपल, पहले वाले हो बाद वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब हम लोग आते हैं अब एक एक आर्टिकल के पास में। सो उसमें सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 14 पे। अब अपना एक्चुअल काम शुरू हो रहा है। क्या है आर्टिकल 14? राइट टू इक्वालिटी, ओके। क्या है उसमें? दो चीजें, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या ये दो टर्म्स अलग अलग? सॉरी, कैन यू रिपीट? ठीक है, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। हम बोला वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। कोर्ट ऑफ लॉ क्या है? फॉर एनी लॉ। फिर कोर्ट ऑफ लॉ क्या है? यस, और किसी को ट्राई करना है? सिंपल, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी वन। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? किसी को कोई स्पेशल प्रेफरेंसेस या प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ कि एक बंदे को ओके जो कि क्षत्रिय है इसलिए उसको सिर्फ 2 साल की पनिशमेंट, एक बंदा शूद्र है इसलिए उसको 20 साल की पनिशमेंट, सही है क्या? किसी को आप लोग प्रिविलेजेस दे सकते हो क्या? एक ने मर्डर किया उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। एक ने पनिशमेंट किया है उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया, उसके घर वालों को भी फांसी पे चढ़ा दिया, चलेगा क्या? ये सब एक्सेसेस है। तो सीधा इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या? किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने वाला, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है, जो भी आएगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो फिर, ओके। सिंपल वर्ड्स में, चाहे तुम प्राइम मिनिस्टर हो ओके या फिर तुम एक नॉर्मल सिटीजन हो, अगर तुमने मर्डर किया है तो जो भी मर्डर के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ट्रीट किया जाएगा। जस्ट बिकॉज यू आर प्राइम मिनिस्टर दैट डज नॉट मीन कि आपको कम सजा दी जाए। आर यू गेटिंग मी? ओके। एंड दूसरा कंसेप्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी, सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सिमिलर एप्लीकेशन हर एक को देना चाहिए। मतलब क्या कि समझो इसने कोई एक गलती की थी ओके इसने एक कोई गलती की थी तो जो सजा उस गलती के लिए उस सर्कमस्टेंसेस में उस टाइम के लिए उसको दी हुई है उतनी सजा दूसरे वाले को भी सेम सर्कमस्टेंसेस में दी जाए। ऐसे बिना फालतू आप लोग उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये मेल था या फिर ये फीमेल है, ऐसे कोई आप लोग उसमें नहीं देखोगे। सीधा जिसने जितना गुनाह किया है उसको उतनी सजा दी जाए, जिसने जितना अच्छा काम किया है उसको उतना ही आप लोग वापस से रिवॉर्ड्स भी दो ओके। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या क्या आता है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी पर्सन ओके, सबको इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ भी है एंड नो पर्सन इज अबव लॉ। ये सारी चीजें जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ में आएंगी ओके। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसमें लाइक शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ये वाला फंडा इसमें आता है। बट अगर आप लोग इसे क्लियर कट उसमें डिस्टिंक्शन ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा आपको, दोनों सेम ही प्रिंसिपल है बिकॉज अब घुमा फिरा के वही यहां से यहां पे पकड़ रहा। बट इतना याद रखो कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 14, क्या है? एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ
एंड दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लेकिन फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि उसके एक्सेप्शंस ही बहुत है. नो राइट इज एब्सोल्यूट. हर तरफ आपको एक्सेप्शंस देके रखे हुए. ये क्या है एक्सेप्शन, ये इसका क्या है अगेन एक्सेप्शन. फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, तो उसमें अगेन आपका लगा दिया है कहीं ना कहीं वहां पर एक्सेप्शन होगा. राइट टू इक्वालिटी आपको देके रखा हुआ है. इक्वालिटी में भी इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली प्लस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देके रखा हुआ है. लेकिन प्रेसिडेंट को अलग ट्रीट किया जाता है और हम लोगों को अलग ट्रीट किया जाता है. किस सेंस में बोल रहा हूं मैं, ये सब नहीं कि उनको गाड़ी वगैरह दे दी हम लोगों को पैदल घुमा रहे हो, उसमें कहीं नहीं आती ही नहीं बात. बट अगर प्रेसिडेंट ने अगर कोई मर्डर कर दिया है और मैंने अगर मर्डर किया है तो प्रेसिडेंट को जब तक वो ऑफिस में है तब तक कोई पनिशमेंट नहीं होगी. मैंने किया तो मुझे पनिशमेंट हो जाएगी. ही कैन बी इम्पीच्ड. इम्पीचमेंट वगैरह करनी तो पड़ेगी ना, बट उस टाइम तक के लिए एटलीस्ट उसको कोई जाके जेल में नहीं डालने वाला है. समझ रहे हो? तो उसको तो प्रिविलेजेस है ना तब तक के लिए. समझ रहे हो? और वो इम्पीच अगर हुआ तो सपोज उसके कोई सपोर्टर्स है गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो बोले हाँ तो मार मार बिंदास, तो उस केस में आई नो दैट विल नेवर हैपन, बट एटलीस्ट इस केस में. या फिर सिविल केस जो है, तो सिविल केस में भी जैसे अभी कोई एग्जैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर हम दोनों ने साइन किया हुआ है, ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया तो मुझे तो वहां पे पनिशमेंट होती है. बट अगर प्रेसिडेंट जो है उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया तो उसको पहले 2 महीने का नोटिस दो, फिर प्रेसिडेंट को लगा तो आएगा वगैरह. या फिर और एक चीज कि अगर कोर्ट में आपकी हियरिंग है या कोर्ट में सपोज यू नो एज अ सबूत के तौर पे अगर आप पेश हो रहे हो, सबूत नहीं गवाही के तौर पे आप प्रेजेंट विटनेस के तौर पे अगर आप लोग जा रहे हो, तो आपको अगर कोर्ट ने समन किया है तो आपको तो जाना पड़ेगा. प्रेसिडेंट को समन किया तो प्रेसिडेंट बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है. सेम गवर्नर के लिए तो स्पेशल प्रिविलेजेस है कि नहीं उनको? डज दिस गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14? यस. सो देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. सो एक्सेप्शंस में सबसे पहले एक्सेप्शंस 2 लोगों की ही है, दैट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ सकते आप लोग. क्या बारिश हो रही है? मस्त हो रही है. क्या एट दैट टाइम शी वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर? तो क्या मुझे समझ में नहीं आया. एक तो उसका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है. प्राइम मिनिस्टर को प्रिविलेजेस है ही नहीं ना. प्राइम मिनिस्टर को प्रिविलेजेस है लेकिन कौन से है? एमपी वाले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी कुछ प्रिविलेजेस है जो हम लोग अभी देखेंगे. तो सबसे पहला एक मैंने आपको बताया कौन सा प्रिविलेजेस है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट. ये दोनों को उनको अलग अलग प्रिविलेजेस देके रखे हैं. बिकॉज हमने क्या बोला, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी वन, बट इनको प्रिविलेज देके रखा है. क्या प्रिविलेज देके रखा है? कि अगर कोई क्रिमिनल केस है तो जब तक ऑफिस में है तब तक आप लोग शुरू नहीं कर सकते. सोचो ना कि प्रेसिडेंट के लिए पुलिस जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में गई उनको पकड़ के लेके आई है और जा रही है, या गवर्नर हाउस में पकड़ के उनको लेके जा रही है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा. तो एटलीस्ट इमेज तो भी अच्छी मेंटेन करके रखो. सो इसके लिए ऐसा इनके लिए एक्सेप्शन देके रखो. बार बार कोर्ट में आपको, ओके, बार बार कोर्ट में आप लोगों को बुलाया जा सकता है लेकिन उनको नहीं बुलाया जा सकता. अगेन वहां पे प्रिविलेजेस है उनको. सिविल केस में अगेन वहां पे भी उनको प्रिविलेजेस है कि 2 महीने का नोटिस वगैरह दे देवा के उनको सिविल केस के लिए बोलेंगे. कोई प्रिविलेजेस 2 लोग जिनके नाम लिए हैं उन्हीं के हैं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. किसको स्पेशल ट्रेटर से? बेटा कहीं का भी कहीं भी मत मिक्स करो. स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का है, समझ में आ रहा है? उसको भी स्पेशल स्टेटस नहीं बोला जाता है, वो टेम्पररी प्रोविजंस है, ओके? ये जो है प्रिविलेजेस की बात हो रही है. प्रिविलेजेस इंडिविजुअल्स को मिलते हैं रजिया, प्रिविलेजेस इंडिविजुअल्स को मिलते हैं ना कि स्टेट्स को. समझ में आ रहा है? ठीक है.
चलो अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है मैं आपको बता रहा था एमपीज को भी कुछ आपके प्रिविलेजेस देके रखे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ऑल्सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है ऐसे, ओके, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस दे कैन एब्सोल्युटली से एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और उस पर उनको कोई रोक टोक नहीं है, एंड इफ दे से समथिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, बोल दिया ये भ्रष्ट आदमी है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया भी, बट गलती क्या हुई उसकी, उसने बाहर से किया. मैं बोल दिया नितिन गडकरी साहब का मेरे पास कच्चा चिट्ठा है, देखो मैं लेके आया हूँ ये, ऐसे कोई तो हम लोगों ने जो यूपीएससी के टाइम पे, हम लोगों ने जो यूपीएससी के टाइम में ऐसे बाइंडिंग वाले बुक्स पढ़े हुए थे वैसी एक बाइंडिंग की बुक लेके दिखा दिया, ये देखो ये चिट्ठा है मेरे पास, नितिन गडकरी ने करप्शन किया, अरुण जेटली ने करप्शन किया हुआ है, बट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं बोला. क्या किया नितिन गडकरी ने और अरुण जेटली ने, क्या किया, डिफेमेशन केस, सीधा मानहानि का केस डाल दिया कि कैसे तुम लोग भ्रष्ट वगैरह बोल सकते हो, प्रूफ करो. जब तक प्रूव नहीं करते हो तब तक आप लोग ऐसे बिना फालतू, मैंने जो आज तक इतनी इज्जत कमाई है वो आप लोग ऐसे बिगाड़ नहीं सकते हो. बोला 10-10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस है. अरविंद केजरीवाल ने या तो माफी मांगो या फिर 10 करोड़ रुपए भर दो, और वो केस वगैरह चल रहा था, अरविंद केजरीवाल फुल परेशान. उसने किसको हायर किया था, राम जेठमलानी बोलता है 1 करोड़ लूंगा एक केस हियरिंग का. मस्त एकदम बड़ा लंबा चौड़ा बिल भेज दिया. बोला अरे इससे अच्छा 10 करोड़ उसी को मैं दे दूं. वो हुआ भी, उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, बट बाद में उसने माफी मांगी, पब्लिकली माफी मांगी कि मैं नितिन गडकरी साहब से और अरुण जेटली साहब से माफी मांगता हूं कि आप भ्रष्ट नहीं हो. अगर नहीं करता तो ये वाला डिफेमेशन केस जो है वो क्रिमिनल केस भी हो सकता है उसके अगेंस्ट, उसको जेल में डाल सकते थे उसके लिए. पैसा तो भरना ही भरना था 10 करोड़, उसके बाद में उसको वो भी करना था, क्योंकि प्रूव कैसे करोगे भ्रष्ट है, बताओ. आप लोग अगर ऐसे अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के जेरॉक्स लेके चले जाओगे और बोलोगे कि इसने ये किया है, वैसे नहीं चलेगा. बट अगर यही स्टेटमेंट उसने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस बोली होती, मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके, तो उस केस में उधर अगर उसने ऐसे बोला होता तो फिर उसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं हो सकता था. समझ में आ रहा है? तो ये प्रिविलेज मिला हुआ है हर एक एमपी को और हर एक एमएलए को. काल नहीं बोला. देखो तुम कभी कभी सिर्फ एकदम साइड ट्रैक हो जाते हो. मैं एग्जांपल्स देता हूँ ताकि तुम उस कंसेप्ट को समझ पाओ, ना कि उस कंसेप्ट को प्राइमरी कंसेप्ट समझ लो. मेरा क्या बोलना है कि जो भी मेंबर ऑफ ऐसे हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर दैट मैटर, जो भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स है, ओके, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया, बिकॉज विदाउट एनी फियर और फर्वर दे शुड बी एबल टू स्पीक अप. Okay, for that purpose they have been granted this right that whatever you want to speak you can speak without any fear. इसलिए ये उनको एक privilege देके रखा हुआ है. तो यहाँ पे एक special privilege दिया क्या? वो equality before law का concept को violate कर रहा है, but दिया है उनको, because MPs जो है वो laws बनाने वाले हैं और उनको दिया है. समझ में आ रहा है? ये primary concept है. मैं आपको example के through बता रहा था कि लेकिन अगर आप outside the house अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे तो आपके केस, तो आपके खिलाफ केस वगैरह भी हो सकता है. गेटिंग मी? यस यस. द मोमेंट यू लूज युअर मेंबरशिप किंवा इवन एमपी मी आहे, ओके, एमपी मी आहे, बट अगर मैं बाहर से कुछ बोल रहा हूं, मतलब अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से कौन है, गिरीश बापट, ठीक है, गिरीश बापट जो है अगर यहाँ पे पुणे में आके या समझो एचवी देसाई में आके कुछ बोल दे कि अरविंद राजपुरोहित भ्रष्ट है, तो मैं केस चला सकता हूँ, बिकॉज ही इज नॉट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाना पड़ेगा, तब अगर वो बोलेगा कि मैं भ्रष्ट हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है? ओके. नेक्स्ट जो है थर्ड,
एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन बाद में देखते थोड़ा सा, अब फोर्थ एक्सेप्शन देखो, वो है फॉरेन सॉवरेंस जो है, जो फॉरेन रूलर्स वगैरह कोई आ रहा है, जैसे ट्रंप वगैरह आ रहा है, ट्रंप ने अगर किसी का मर्डर भी कर दिया तो भी उसको आप लोग प्रोसिक्यूट नहीं कर पाओगे, यहां पे इक्वालिटी वाली ट्रीटमेंट उनको नहीं देनी है, वो उनके लिए एक्सेप्शन है, उनको प्रिविलेज देना पड़ता है, ओके वैसे ही अगर कोई एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स है तो उनको भी उनके खुद के स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स है तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, क्या है वो स्पेशल प्रिविलेजेस, तो ये तो हम लोगों के रामायण के टाइम से आ रहा है, जब हनुमान जी लंका जलाने के पहले लंका गए थे, ओके तो उसके पहले वो बोले कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है, रावण के जो भी चेले चपाटे थे सब मिलके क्या बोल रहे थे, ये वो हनुमान जब गए वहाँ तो उन्होंने क्या बोला, देख रावण चुपचाप मान जा वरना तेरी खैर नहीं, तू तो मरने ही वाला है, वैसे ही चुपचाप सीता मैया को छोड़ दे और तू भी बच जाएगा, इधर के चेले चपाटे बोले अरे देखो तुम्हारे खिलाफ क्या बोल दिया है, इसको उड़ा दो, जला दो, ख़त्म कर दो, तो उसमें फिर विभीषण ने बोला कि ये राजदूत बन के आया, और राजदूत के अगेंस्ट में आप लोग ऐसे कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या सिविल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते, आया है उसको जो भी बोलना है बोलने दो चले जाएगा, लेकिन वो बोले अभी ठीक है राजदूत का मान तो रखना पड़ेगा लेकिन एक काम करते इसकी पूछ जला देते हैं, ठीक है तो पूछ जलाई तो फिर पूरा लंका जला दिया, तो इसलिए कोई एम्बेसडर की अगर हमने समझो पूछ ऐसे जला दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो इसलिए हम लोगों ने एम्बेसडर्स को या फॉरेन डिग्नेटरीज जो फॉरेन सॉवरेंस ऐसे उनको भी ऐसे स्पेशल प्रिविलेज दे के रखे, सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के एक्सेप्शन में वो भी आता है, और वैसे ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसके जो एजेंसीज है उसके अगर कोई मेंबर्स ऐसा कुछ आते हैं और उनका कुछ गड़बड़ हो जाता है, स्टिल दे हैव दिस आई वुड से इंडेमनिटी या फिर उनको प्रोटेक्शन है कि उनको हम लोग प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है आर्टिकल 31C, जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला कि हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं, व्हाट इज दिस 31C? एनीवन? क्या डीपीएसपी? ठीक है हाँ नो इट इज नॉट अबाउट 39A एंड 39B, इट इज अबाउट 39B एंड 39C, ठीक है तो मैंने मतलब इस स्टेटमेंट मतलब इसके लिए इस आर्टिकल के लिए ऐसा बोला जाता है व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज, ओके तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है 12 to 35, डीपीएसपीज कहाँ से कहाँ तक है 36 to 51 तक, ये डीपीएसपीज है आपके, उसमें से 39th जो आपका आर्टिकल है अगेन ये क्या है डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में ए बी और सी ऐसी दो प्रोविजंस है, तो ये प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है कि एक मतलब ओके जो भी रिसोर्सेस है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सो रिसोर्सेस का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये वाला जो बोलता है ये बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि कुछ लोगों के हाथ में पूरी की पूरी वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो जानी चाहिए, उसके लिए अगर आप लोग कोई एक्ट या फिर ऐसी कोई चीज़ अगर आप लोग बना रहे हो तो भले ही वो आपके आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, तो मतलब इसमें देखो तीन चीज़ें आ रही हैं, ये लिखा कहाँ पे है आर्टिकल 31C में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर 39B एंड C की जो प्रोविजन है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ओके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, फॉर दैट पर्पज इफ यू मेक सर्टेन लॉ ओके इवन इफ इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14 इट विल बी अलाउड, एग्जाम्पल बताता हूं, मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन राइट टू इक्वालिटी के अंडर आप लोग क्या बोल सकते हो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए, इक्वल जितने भी सिटीजन हैं उनको सबको इक्वली ट्रीट करो, तो अगर मैं ज्यादा पैसा कमा रहा हूं तो मैं मेरे मेहनत से कमा रहा हूं, मैं क्यों 42% टैक्स भरूं, अभी रिसेंट जो बजट हुआ अभी ओके उसमें जो सुपर रिच है मतलब जिनकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर है 42% उनको टोटल इन टोटलिटी ऑलमोस्ट 42 point something उनको टैक्स भरना है, फिर बोल रहे मैं कमाऊ क्यों, 42% टैक्स जो है उनको पे करना है,
बट वही जिसकी इनकम अगर 5 लाख वगैरह 5 लाख के नीचे है तो 2.5 लाख तक तो वैसे ही तुमको छूट है, 0% भरना है, और बाकी के 2.5 लाख पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये एक्सेप्शन आपको मिला या नहीं मिला, या फिर ये जो है इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? क्यों नहीं जा रहा है? स्टिल इस केस में आप लोग ऐसा आर्ग्यू कर सकते हो, अभी तक ऐसे कोई लॉज जो है इसके लिए इतने स्पेस बनाए नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। सपोज हम लोग 2-3 लोग हैं, उसमें से मैं अगर बोलता हूँ ऐसा कि मुझे क्यों इतना टैक्स वगैरह भरने को लगा रहे हो, सो आई डोंट वॉन्ट टू पे दिस, हमको जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंडर इसको 5% है, मुझे भी 5% लगाओ, बट फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। या फिर चलो ठीक है, इस केस में आप बोल रहे हो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस हुआ था, सोचो आपकी पूरी प्रॉपर्टी थी वो वैसे के वैसे ले ली गवर्नमेंट ने, आपको कुछ भी नहीं दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी हुआ है, तो आप लोग बोल सकते हो ना मेरा बैंक था, इसका मतलब आप क्या मेरा पूरा का पूरा बैंक ही ले रहे हो? तो अब हम लोग फिर वो बोल रहे हैं कि ये तो फिर हमारा राइट टू इक्वालिटी अगेंस्ट जा रहा है ना, बट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये जितने भी अपने रिसोर्सेस है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पज इवन इफ यू वायलेट आर्टिकल 14 इट्स ओके। ओके, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन आर्टिकल 31 सी कम्स इन आर्टिकल 14 गोज। सन्नाटा क्यों इतना? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके ठीक है, कल पूछूंगा तब बताना। वंस मोर, ठीक है, आर्टिकल 14 के हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शंस, ठीक है। चार एक्सेप्शंस तो हमको ऑलरेडी पता है कौन कौन से। फर्स्ट जो है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को अलग राइट मिले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं कि तुमको जो बोलना है वो बोल सकते हो, फॉरेन डिग्नेटरीज एंड एम्बेसडर जो है उनको अलग से प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, एंड लास्टली जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज उनके जो मेंबर्स हैं उनको अलग प्रिविलेज मिले। लेकिन आर्टिकल 14 को वायलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपको वायलेट करना है तो एक और प्रोविजन लिखी हुई है, बट ये प्रोविजन आपको आर्टिकल 14 में नहीं मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, आर्टिकल 31 सी में मिलेगी। आर्टिकल 31 सी में क्या लिखा है, फिर लिखा है कि अगर 39 बी और सी ओके इसको अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोविजन इवन इफ आई वायलेट आर्टिकल 14 स्टिल इट वुड बी ओके, दिस प्रोविजन इज मैंशन इन आर्टिकल 31 सी। अब 31 सी में क्या दो चीजें बोली है, 39 बी और सी वाले जो कंसेप्ट है उसके लिए आप लोग कर सकते हो। उसमें क्या लिखा है, एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए आपका 14 का एक्सेप्शन है, और ये मैंशन कहाँ है, 31 सी में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, ये कहां लिखा है 14 का एक्सेप्शन, 31 सी में। तो आप लोग जो पूछ रहे थे ना 31 का है, 31 का है, अभी पता चला 31 का है, और ये 31 अभी तो और भी आपको दुख देने वाला है, ये तो इसने एक सिर्फ झलक दी आपको, ठीक है। ओके, समझ गया, आगे चले। यस ऋतुजा, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 पे क्या है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कौन सा, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, तीन चार चीजें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, पांच चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप लोग ऐसे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट में। और क्या है, No citizen shall be subjected to any disability, liability or above condition cannot be, no citizen, okay, हाँ, can be denied access to shop, public restaurants, well, tanks and bathing ghats. तो आपको पता होगा कि ये provision क्यों डाली थी, because अपने यहाँ पे पहले से ही हम लोग एक divided society है, okay, तो उसमें दलित जो है उनको अलग treat करते थे, उनका कुआ actual में अलग, ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पे नहीं दिखता है, आप थोड़े गांव वगैरह एरिया में जाके आओ, खास करके अगर आपका अगर कभी घूमने वूमने जा रहे हो तो थोड़े यूपी वूपी के गांव जाके आओ,
तो आपको वहां पे पता चलेगा कि कैसे, या इवन फॉर दैट मैटर राजस्थान है, एमपी है, नॉर्थ इंडिया में ये थोड़े आपको ज्यादा ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे कि आज भी दलित जो है ओके उनको क्या, उनको उनका कुआं अलग है, तुम्हारा कुआं अलग है, उनके कुएं से पानी खत्म हो गया, तुम्हारे कुएं से अगर उनको पानी लेना है तो वो तुम्हारे कुएं के थोड़ा सा उधर दूर खड़े रहता है, और उसके बाद में जो भी ओके अपर कास्ट का आदमी वगैरह है वो उसको ऊपर से पानी ऐसे डाल के देता है। ये एक्चुअल कंडीशंस है जो मैंने खुद ने देखी हुई है ओके। उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारे लोग, अभी आजकल हम लोगों ने बंद किया है, बट पहले ऐसे बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स में ऐसे चेक करते थे कि बाब तू, पहले तो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रखते थे तब चेक करते थे कि तू कौन से कास्ट का है, क्या है, कैसा है। उसके बाद में जो लोग रेस्टोरेंट में आ भी रहे उनके लिए भी ऐसा करते थे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही टैंक्स के लिए या फिर बेदिंग घाट्स है, तो ये सब चीज़ों के लिए इन लोगों ने जानबूझ के फिर ये सारी प्रोविजन जो है डाल के रखी है। इन सिंपल वर्ड आर्टिकल 15 इज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सो ये ग्राउंड्स कौन कौन से है, 5 है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो है ही। उसके अलावा आपको ऐसे शॉप्स में नहीं एंट्री हम लोग देंगे वगैरह, तो ये सब भी वहाँ पे आता है। मतलब ये एक चीज़ जो है इसमें, इवन ये वाला फंडामेंटल राइट आपको सिटीजन के अगेंस्ट में भी मिला हुआ है। यूजुअली आपको सारे राइट्स किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं, स्टेट के, बट यहाँ पे आपको सिटीजन के अगेंस्ट में मिला है कि एज अ रेस्टोरेंट ओनर आई जस्ट कैनॉट यू नो डिनाई समवन। गवर्नमेंट तो करेगी नहीं ना, अभी गवर्नमेंट कौन सा रेस्टोरेंट खोल के बैठी है, समझ में आ रहा है। तो ये सिटीजन के अगेंस्ट में भी मिला है, बट देर आर एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या है, तो सबसे पहला एक्सेप्शन है वो है वुमन एंड चिल्ड्रन। वुमन एंड चिल्ड्रन वो एक एक्सेप्शन है। तो हम लोगों ने क्या बोला है, देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ओके। जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट बस में तो आप लोगों ने रिजर्वेशन दे के रखा है, ट्रेन में आप लोगों ने पूरा का पूरा एक डब्बा जो है वो सिर्फ एक डब्बा आगे एक डब्बा पीछे, मेट्रो में भी अगेन सेम करके रखा है। डोंट यू थिंक दिस इज डिस्क्रिमिनेशन पूर्वा? क्या पूरे ट्रेन बॉयज का है? बट पूरे ट्रेन में लड़कियां भी तो कहीं भी आ सकती है। अगेन योर आर्ग्यूमेंट डज नॉट स्टैंड, बिकॉज पूरी ट्रेन जो है वो बॉयज के लिए रिजर्व नहीं है, वो जनरल है, उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। बट ट्रेन के दो डब्बे ऐसे हैं जहां पे सिर्फ गर्ल्स आ सकती है, दे आर रिजर्व। सो आई एम सेइंग बाकी सारे डब्बे जो है दीज आर जनरल। I hope तुम पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बता रहे। ठीक है, I'm just kidding, okay? Take it lightly. So, मैंने आपको बताया एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, वुमन एंड चिल्ड्रन, उनके लिए आप लोग ऐसे कोई स्पेशल प्रोविजन अगर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वुमेन के लिए अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दैट इज अलाउड। वाई इट इज अलाउड, तो उनका स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है इसलिए उनको ऐसे एक्सेप्शंस देके रखे हुए। सेकंड, हाँ अधीरा कुछ बोलना है आपको? नहीं, अधीरा पक्का फेमिनिस्ट बनेगी। एनीवेज, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं क्या एजुकेशनल प्लेसेस में या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? ठीक है, कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं अगर आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो तो। माइंड यू आई एम टॉकिंग अबाउट सोशली एंड एजुकेशनली, मतलब क्या सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक मैंने कहीं भी नहीं बोला अभी तक, इकोनॉमिक वाला पॉइंट मैंने अभी तक बोला ही नहीं। वापस एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, क्या क्या है, सोशल एंड एजुकेशनल, ये दो ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ओके। ये अगेन एक एक्सेप्शन हो गया, एससीज एसटीज वो तो पहले से ही उनको एक्सेप्शन मिला हुआ ही था, तो वो एक चीज और आ गई है ओके। बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वगैरह इन लोगों ने 2005 में अमेंडमेंट करके लिया है, लेकिन
लेकिन अभी हम लोगों ने जस्ट देखा अमेंडमेंट हुई है 103rd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स को चेंज किया, 15 एंड 16. ओके, 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस रिलीजन कास्ट वगैरह वगैरह. ओके, उसमें आपने ऑलरेडी एक्सेप्शन देके रखा था वुमन एंड चिल्ड्रन को. सेकंड एक्सेप्शन दिया सोशली एंड एजुकेशनली, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशनली एंड नॉट इकोनॉमिकली. ओके, प्लस एससीज एंड एसटीज. और अभी हम लोगों ने उसमें ओके आर्टिकल अगर आप देखो तो 15(6) उसमें हम लोगों ने ऐड किया है इकोनॉमिकली ऑल्सो. तो अभी आपको इकोनॉमिकल बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है. समझ में आ रहा है? यस. सो इसके एक्सेप्शंस क्लियर हो गए? आर वी डन? ये लिखा करो थोड़ा बहुत. मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं लिख ही नहीं रहे. पिछले साल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मैंने पॉलिटी में यहाँ पे इस टाइम पे सिखाया, वो जब आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हो तो बहुत कुछ आपको डेटा वहीं पे मिल जाता है. तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ खुद से ही, ठीक है? ओके, किसी को इसमें कोई डाउट्स आर्टिकल 15 में? तो अब इसमें क्या क्या हो गया है, एजुकेशनली भी हो गया है, इकोनॉमिकली भी हो गया है, सोशली भी हो गया है, एससीज हो गया है, एसटीज हो गया है, वुमन हो गया है, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है? हाँ, मैं एक ऐसी स्पेशल प्रोविजन बना देंगे जिसे मुझे ले लें. ओके, यस, बाद में बोलेगा क्या? क्या आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, ये बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, चलेगा. वो पॉल साइंस का कुछ कोट करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है. मेरे तक आवाज नहीं आई इसलिए उसका थोड़ा पोपट हो गया. वेरी गुड, मैंने इसीलिए तो ताली बजाई. आर्टिकल 16 भी देखना है? देखो, मुझे सिलेबस फटाफट खत्म करना है. फिर मैंने आपको बताया मुझे कहाँ जाना है, मुझे घूमने जाना है, तो उसके पहले खत्म करना है. थाईलैंड नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ सिंगापुर जा रहा हूँ. देखो, वैसे ही बारिश हो रही है, बारिश रुकेगी तब तक आर्टिकल 16 पढ़ लो ना. पूर्वा एक काम करते हैं, नए स्टूडेंट्स कौन कौन है वापस, रेज योर हैंड्स. सिमरन, राइट? क्या लगता है, कंटिन्यू करें या सिक्स चले जाएं? नो प्रॉब्लम, चलो कंटिन्यूड. माय किंगडम माय रूल. आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद चले जाएंगे. घर जाके करने क्या वाले हो? ओके, पढ़ने वाले तो हो नहीं, फिर फालतू की एक्टिंग कर क्यों रहे हो? क्या पास रखो, बाद में देखते हैं. आर्टिकल 16 पे आते हैं. अभी आर्टिकल 16 है, हमारे प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है. क्या लिखा है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है आर्टिकल 16. ओके, सो क्या है उसमें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सिंपल, इतना ही है बस आर्टिकल 16. लेकिन उसके है एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस में क्या है फिर, तो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट यूटी और एनी लोकल अथॉरिटी. वहां पे ऐसा कोई आप लोग मतलब रेसिडेंस का आप लोग क्राइटेरिया वगैरह बना सकते हो, जो कि आंध्र प्रदेश वगैरह ने बनाया था, बट बाद में शायद से वो एक्सपायर वगैरह हो गया. ओके, तो अभी यूजली किसी के पास भी ऐसा रेसिडेंस का क्राइटेरिया नहीं है. इनफैक्ट इवन 2-3 स्टेट्स ही है जहां पे उनके यहां पे अगर किसी और यहां पे अगर आपको एग्जाम वगैरह देनी है, जैसे आप एमपीएससी तो दे ही सकते हो यहां पे जो रह रहे, बट आप लोग जीपीएससी भी दे सकते हो, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम भी दे सकते हो. सिर्फ उनकी शर्त इतनी कि आपको गुजराती आनी चाहिए.
अगर आप गुजराती सीख रहे हो, आपको लिखनी वगैरह आ रही है, सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर जीपीएससी। तो दिल्ली में एक्चुअली ऐसा होता है, तो दिल्ली वाले लोग क्या करते हैं, यूपीएससी तो देते ही हैं, जैसे ही प्रीलिम्स नहीं हुआ तो यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वहीं से वापस से पंजाब की एग्जाम दे के आ जाते हैं। तो बोला ना, दिमाग जब फास्ट सोचता है और जबान जब कैचअप नहीं कर पाती। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हो गया पब्लाक। हरियाणा, ओके, उधर की भी HPSC, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ की जो आपको रिक्वायर्ड लैंग्वेज जो है, ओके, मेजरली हिंदी है वहाँ पे, ओके, शायद से पंजाब की अलग होगी, बट वहाँ पे बाकी ये जो जितने भी स्टेट्स है वहाँ पे हिंदी है रीजनल लैंग्वेज। तो इधर का उधर दे के आता है, इधर नहीं हुआ तो उधर जाता है, उधर का नहीं हुआ तो उधर जाता है, तो ऐसे चलता है। तो ऐसे यूजली कोई रेसिडेंस का क्राइटेरिया नहीं बनाता है, सिर्फ आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे MPSC कोई भी दे सकता है, चाहे वो कोई यूपी से आ रहा है वो भी दे सकता है, शर्त मराठी की, ओके। दूसरा जो है उसमें एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास नॉट रिप्रेजेंटिंग एडिक्वेटली, सिंपल, ओके। तीसरा जो है तो उसमें मंडल कमीशन वाला कंसेप्ट आता है, मंडल कमीशन, ओके। तो अब रिजर्वेशन जो है वो पहले से ही SCs एंड STs को तो दे दिया गया था, अब ये मंडल कमीशन क्या है? तो इसके पहले एक कमीशन, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को, ओके, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ, आर्टिकल 340 के अंडर, प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 340 ही हैज बीन अकॉर्डेड दिस पावर दैट ही कैन establish certain committee or commission, okay, which can find out socially and educationally backward classes. इतना अगर है तो उसके लिए आप लोग कोई action लेना चाहते तो वो action भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है? तो वो action के लिए सबसे पहले एक ऐसा ही OBC के लिए commission, मतलब OBC के लिए एक commission बनाया था। SC ST का तो जब constitution बना तभी उनको reservation दे दिया गया था, but समझो in future किसी और भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनके लिए ऐसा कोई कमीशन बनाने की पावर प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 340 दी हुई थी। तो सबसे पहला कमीशन बनाया था काका साहेब केलकर कमीशन, काका साहेब केलकर कमीशन, जो कि बनाया था 1953 में, बट इसके रिकमेंडेशन जो भी थे ज्यादा इसने कुछ रिकमेंड भी नहीं किया और उसको किसी ने सीरियसली भी नहीं लिया। बाद में, ओके, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, कब, 78 हिट पीरियड में, ओके, तो उस टाइम पे मोरारजी देसाई ने 79 में, ओके, बीपी मंडल उनके प्रेसिडेंटशिप में और उनके चेयरमैनशिप में ही अपॉइंटेड अ कमीशन विच हैड टू, मतलब, रेफर दैट हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको फाइंड आउट करो और रिकमेंड करो उनके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फिर बीपी मंडल ने, ओके, ऐसा आइडेंटिफाई किया कि एक जो है वो है अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, जिसको हम लोग अपर कास्ट वगैरह बोलते हैं, एक जो है वो है SCs एंड STs। तो SCs एंड STs को, शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनको आइडेंटिफाई कैसे किया था, मेजर आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया था अनटचेबिलिटी, जो जो अनटचेबल्स है उन सबको शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया था, सिंपल। बट कुछ कास्ट ऐसी थी, ओके, कुछ कास्ट ऐसी थी, टू बी प्रिसाइज 3743, कुछ कास्ट ऐसी थी जो कि अनटचेबिलिटी उनके साथ अपर कास्ट वाले लोग फॉलो नहीं करते थे, मतलब ऐसे छुआछूत वगैरह नहीं था। फॉर एग्जांपल कुम्हार जो होते हैं, कुम्हार जो घड़ा वगैरह बनाते हैं, वो उनके साथ में अनटचेबिलिटी रख ही नहीं सकते क्योंकि उनका घड़ा तुम्हारे ही घर आने वाला है, ठीक है। या फिर जो फ्लोरिस्ट हुआ करता था, जो क्या बोलते उसको, माली, ठीक है, माली तुम्हारे घर पे वो सब कर रहा है, मतलब बाग बगीचा जो है वो संभाल रहा है, तो ये सब तुम्हारे टच में वगैरह रहते ही थे कंटिन्यूअसली, बट उनके साथ में मतलब ऐसे छुआछूत का कोई व्यवहार नहीं था, अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस में ही नहीं थी। बट सच कास्ट, ओके, हु वर नॉट पार्ट ऑफ अपर कास्ट नॉर दे वर पार्ट ऑफ एनी लोअर कास्ट बट दे वर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सो दीज कास्ट
ओके बट ऑल्सो रिकमेंडेड कि इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए. सो एक्चुअली पूरे इंडिया की एंटायर पॉपुलेशन थी 52%, ऐसी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, पूरी इंडिया की ऐसी पॉपुलेशन थी 52% विच वॉज नीदर पार्ट ऑफ अपर कास्ट नॉर पार्ट ऑफ एससीज और एसटीज, बट देवर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. ओके इनके लिए फिर बीपी मंडल ने रिकमेंड किया 27% रिजर्वेशन. समझ में आ रहा है? आज उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो ये वाला जो है, तो बीपी मंडल का रिकमेंडेशन आया, ये कब आया? 1980 में. 1979 में बीपी मंडल कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, बट 1980 में बीपी मंडल की रिकमेंडेशन या रिपोर्ट्स आई. और ये रिपोर्ट्स आने के बाद में, तब तक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वापस आ गई थी, ओके, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ली. बोला सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू. ओबीसीज वर नॉट अनटचेबल्स, दे वर ओनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. समझ में आ रहा है? ओके क्या हुआ अलीशा, कुछ बताना है? अरे बता दो. 743 एग्जैक्टली, वो कास्ट थे, लोग नहीं थे. सो दीज वर कास्ट. ओके एंड दिस कॉन्स्टिट्यूटेड ऑलमोस्ट 52% ऑफ एंटायर इंडिया. तो ऐसी कास्ट जो पूरी की पूरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थी, उनके लिए फिर रिकमेंडेशन किया रिजर्वेशन का. तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वापस पावर में आ गई, अच्छी खासी मेजॉरिटी थी, कोई इशू ही नहीं था. बाद में फिर अगर आपने अगेन, आई सपोज तुम लोग प्रधानमंत्री सीरीज साइड बाय साइड थोड़ा बहुत देख रहे हो, तो उसमें अगर आप देखो पॉलिटिक्स, तो 1984 में ओके इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, और उसके जगह पे फिर वापस जब इलेक्शंस हुए तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके पास मासिव मेजॉरिटी थी जो कि इवन नेहरू के टाइम पे भी नहीं थी. अनप्रेसिडेंटेड था वो. और उसके बाद में, लेकिन ये 5 साल में उसने ठीक से काम वाम नहीं किया, उसमें गड़बड़ घोटाले बहुत हो गए उनके, और बोफोर्स वगैरह का केस भी हो गया. तो 1979 में इनकी गवर्नमेंट गई, जिसमें उसके अगेंस्ट में कौन थे, उनके ही एक मिनिस्टर जिनका नाम था वीपी सिंह. यस, तो वीपी सिंह जो है उनकी गवर्नमेंट आई. वीपी सिंह को पहले ही पता था अपना कोई ज़्यादा टाइम यहाँ मैं रहने वाला नहीं हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी सपोर्ट किससे ले रहे थे, एक तो कोलिशन गवर्नमेंट था, एक तो सपोर्ट ले रहे थे बीजेपी से, दूसरा सपोर्ट ले रहे थे लेफ्ट से. कैन यू जस्ट इमेजिन, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट एक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं एक साथ. ओके वीपी सिंह गवर्नमेंट, तो उसको पता था कुछ तो होने ही वाला है, ज्यादा दिन मैं टिकने वाला नहीं हूं. तो अब जाना है ये पता है, और एक्चुअली वो खुद एक राजा हुआ करता था पहले, तो उसका नाम ऐसे ही था, राजा विश्व प्रताप सिंह वगैरह, ऐसा कुछ नाम था, विश्वनाथ प्रताप सिंह. ठीक है, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. यस, तो अब उसको पता था मैं तो अभी कोई ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूं, तो अब करेगा. तो उसने बोला कि ऐसा कुछ तो करके जाते हैं, कांड करके जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा. और फिर उसने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसने पूरी की पूरी इन टोटो इम्प्लीमेंट कर दी. उसके बाद से पूरा इंडियन पॉलिटिक्स चेंज हो गया है. बीपी मंडल की सिफारिशें जब से लागू हुई है बीपी सिंह गवर्नमेंट के बाद से, उसके बाद में पूरा इंडियन पॉलिटिक्स चेंज हो गया. अब तक जो पॉलिटिक्स अपर कास्ट डोमिनेट कर रही थी, अब वो सडनली अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज उसको डोमिनेट करने लग गई. अगर आप नॉर्थ इंडिया पहले का देखो तो उधर के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह पहले जो भी बन रहे थे वो सब अपर कास्ट के थे, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय यही सब लोग बन रहे थे. बट जब से वहाँ पे ओके ये 1990 की जब से घटना हुई है, उसके बाद से आज तक बिहार जैसे स्टेट में तो कभी कोई वापस से ओके अपर कास्ट का कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं आया, जो भी आया ओबीसी वगैरह ही आया हुआ. एनीवेज मुझे ये बताना है कि उसने ये वाले एक इम्पॉर्टेंट आई वुड से ऑर्डर ने पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटिक्स चेंज कर दिया. एंड तब से फिर उस टाइम पे बहुत सारे वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, विरोध भी हुए उसके अगेंस्ट में, बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट में, कुछ लोगों ने एक दूसरे को मतलब खुद को ही जला लिया, एक दूसरे को नहीं सॉरी,
कुछ स्टूडेंट्स ने खुद ही आत्महत्या वगैरह कर ली, सब प्रॉब्लम्स भी उस टाइम पे बहुत हुए। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, तो मंडल केस काफ़ी फेमस केस है, मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी के बीच में, इसी के ड्यूरेशन में वीपी सिंह गवर्नमेंट भी गिर गई थी, और उसके बाद में एक गवर्नमेंट, आई थिंक चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई, और उसके बाद में वापस से किसकी गवर्नमेंट आई, नरसिम्हा राव की। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इस 27% रिकमेंडेशन में इन लोगों ने एक क्राइटेरिया और ऐड कर दिया, वो बोले कि 10% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिकॉज अब तक किसकी बात कर रहे थे आप, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो इन्होंने 10% का क्राइटेरिया और डाल दिया कि जो अपर कास्ट में है लेकिन इकोनॉमिकली वीकर है, उनके लिए भी रिजर्वेशन दो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फाइनली मंडल केस में कि ठीक है, वी एग्री कि तुमको ये 27% देना है तो दो, बट इसके लिए सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया लगा, वो है क्रिमिलेयर वाला क्राइटेरिया। इसीलिए आज ओबीसी में नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है। अगर किसी की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो पहली बात अदर बैकवर्ड क्लासेस में फिर आएगा ही नहीं। जो ऑलरेडी किसी ऑफिसर का बेटा या बेटी है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में कैसे आएगा? सोशली ना तो सोशली बैकवर्ड हो गए फिर वो, ना ही एजुकेशनली बैकवर्ड हो गए, समझ में आ रहा है? या प्रेसिडेंट का बेटा है, कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, ऐसे जिसने भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह अगर होल्ड की है, ये सबको बाहर करो, इनको ओबीसी का रिजर्वेशन फिर नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जो है उन्होंने बोला कि ये अप्लाई करूंगा मैं, बट फर्स्ट थिंग क्रिमिलेयर हटाओ, फिर क्रिमिलेयर लगाओ, ये वाला क्राइटेरिया लगाओ। एंड दूसरा उन्होंने इसको पूरा रिजेक्ट किया, दे सेड कि 50% के ऊपर आप लोग कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इंदिरा सोनी केस वेरी फेमस फॉर दिस। तो अभी एक्चुअली जो 10% इन लोगों ने रिजर्वेशन दिया है 103 अमेंडमेंट से, वो केस अभी तक उसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव जजमेंट इन फेवर ऑफ इट। मे भी हो सकता है कि वो बाद में रद्द हो जाए, या मे भी हो सकता है वो, जैसे मराठा वाला जो आरक्षण है उसको उन लोगों ने सही बोल दिया है, तो अगर हो गया तो उन लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला क्राइटेरिया भी मतलब उन लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया वर्ल्ड की सबसे मोस्ट या वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरी कौन सी है? इंडियन जुडिशरी। जो उनके मन में आएगा वैसा वो कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा इसका पूरा किस्सा है। बाकी इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि हम लोग अगले लेक्चर में मतलब कल शाम को 5:30 बजे देखें। कशामध्ये? मेन्स मध्ये कसे कोट करायचे? क्वेश्चन मी जसं ते मी देईल तुम्हाला, कसं विचारले जातात तसे। पुढे मी दाखवणार आहे तुम्हाला, ठीक आहे? और किसी को काही डाउट्स? और जो पॉल सायन्स के स्टूडेंट्स आहे, कल अपना लेक्चर आहे, एक्चुअली शेड्यूल वाइज नहीं होता है, बट कल अपना लेक्चर रखा हुआ है 8:30 बजे, ठीक है? टाइप्स ऑफ कौन से राइट्स?